हेलो, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलो, सारे बच्चों का सेशन में स्वागत है। वेलकम एवरीवन, फटाफट जुड़ जाइए। और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाक के सर एवरीथिंग इज ओके। तो बिना वेट किए हम लोग सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा सेशन होगा वो मच अवेटेड टॉपिक। आप लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि सर डेटा कैसलेट कब पढ़ाने वाले हो। तो आज फाइनली हम लोग डेटा कैसलेट टॉपिक की शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं। लगभग मेरे हिसाब से 3 सेशन लेंगे तब जाके हम टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पे टारगेट कर पाएंगे। ओके, तो फटाफट पहले तो क्या करो, सारे बच्चे सेशन की लिंक है उसको दबा के शेयर करो और मैक्सिमम लाइक करो ताकि बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी सेशन के साथ जुड़े और हम लोग जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट करें। ओके, चलो सारे बच्चों का स्वागत है, फटाफट जुड़ जाइए। वेलकम एवरीवन। सेकंड चीज, नाम हेमंत शाह और राइट नाउ वर्किंग एज अ प्लस एजुकेटर ऑन एन अकेडमी। सेकंड चीज, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बैचेस अभी 27 अक्टूबर के दिन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुए हैं अपकमिंग बैंक एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए, जिसमें एक प्रैक्टिस बैच है, एक फाउंडेशन बैच है, एक रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच है, IBPS SO और IBPS PO की प्री एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैच है। ऐसे बहुत सारे बैचेस प्लेटफॉर्म पे अभी राइट नाउ लॉन्च हुए हैं। अब ये बैच में जुड़ने के लिए आपके पास ये सारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन के प्लान है, इसमें से कोई भी प्लान चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ तब ये मेरा रेफरल कोड है HKS10 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर मानो आप एक साथ फी पे नहीं करते हो तो नो कॉस्ट EMI भी यहाँ पर अवेलेबल है जब आप 6 महीना या ऊपर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो। और बेस्ट ऑफर है, मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। के पीछे का रीज़न, अभी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ये बहुत एक शानदार ऑफर है, जिसमें 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 8 महीने फ्री मिलेंगे। तो ये बेस्ट ऑफर है, केवल 5,850 रुपये में आप 16 महीना सारी बैंक एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। साथ में प्लस पे जुड़ोगे तो ये सारे आपके पास एडवांटेज होंगे, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। 1-to-1 आप डेफिनेटली गाइडेंस ले सकते हो। पूरा टेस्ट एंड टेस्ट का पूरा सपोर्ट होगा, जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, अपना टेस्ट का परफॉर्मेंस चेक करके अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हो। पूरा स्टडी कैसे करना है, कहाँ से करेंगे, उसका पूरा प्लानिंग आप प्लस के ऊपर कर सकते हो। स्टडी मटेरियल होगा वो आपको PDF के फॉर्म में वगैरह मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली एक्सपर्ट का गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आपको प्लस के ऊपर मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और हर एक बैच के अंदर आपकी बैंक एग्जाम का पूरा सिलेबस होगा, वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा। और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए वीकली टेस्ट और क्विजेस का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाएगा। यानी इन शॉर्ट, प्लेटफॉर्म को आप लोग अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। और अभी एक फीचर ऐड हुआ है, रेज हैंड। ये फीचर्स के थ्रू आप लाइव क्लास के अंदर डायरेक्टली एजुकेटर से बात कर सकते हो। तो लाइक इट विल गिव यू लाइक एक ऑफलाइन से भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एटमोसफियर मिलेगा ये ऑप्शंस के थ्रू। और हर संडे जुड़ो, मॉर्निंग में 10 बजे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आपको ये कोड लगा के पार्टिसिपेट करना है और अप टू 100% तक की आप लोग स्कॉलरशिप्स यहाँ पर जीत सकते। तो हर संडे जुड़ो मॉर्निंग में 10 बजे। और अभी एक प्लेटफॉर्म पे और नया फीचर आया है, आस्क अ डाउट फीचर। ये फीचर्स के थ्रू आप अपनी कोई भी क्वेरी, आप अपने कोई भी डाउट्स को रेस करके उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पर ले सकते हो। और ये एक कॉम्बो ऑफर है, जिसमें आप बैंक के साथ RBI और बैंक के साथ SSC जैसी एग्जाम्स की भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। और एक बार जरूर मुझे अनअकेडमी पे आप लोग फॉलो कर लेना। और अनअकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे अभी मेरा राइट नाउ 3 नवंबर के दिन एक नया बैच लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो है मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये टॉपिक में भी आप बिल्कुल जुड़ना ना भूले। इसका टाइमिंग है डेली दोपहर में 3 बजे। तो जरूर ये सेशन के अंदर भी आप लोग यहाँ जुड़िएगा। ये कहाँ चलेगा, तो ये अनएकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे चलेगा। तो अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है तो ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेके प्लस पे ये मेरी क्लासेस में जुड़ सकता है। और प्लस के ऊपर मेरे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, तो आप उसका भी यहाँ एडवांटेज ले सकते। ओके,
चलो तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। वहीं उमित के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे और हमारा टॉपिक है डेटा कैसलेट, उसको आज शुरुआत करेंगे फाइनली, बराबर। चलो तो बिफोर वी स्टार्ट, तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि सर एग्जैक्टली डेटा कैसलेट है क्या और उसका हमारी बैंक एग्जाम में इम्पोर्टेंस क्या है, देखते जाना। तो वैसे अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ना, तो आपका एक टॉपिक आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। बस ये डेटा इंटरप्रिटेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, बराबर। फर्क इतना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपको ग्राफ वगैरह, एक पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, जिसके अंदर आप लोग क्या होता था, आपके पास कोई ना कोई ग्राफ होता था, जैसे पाई ग्राफ होता था, जैसे आपके पास बार ग्राफ होता था, लाइन ग्राफ होता था, टेबल ग्राफ होता, तो ऐसे बहुत डेटा को ग्राफ के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिया जाता था। जबकि डेटा कैसलेट के अंदर क्या होगा, तो डेटा कैसलेट के अंदर भी आपके पास डेटा तो होगा, लेकिन उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके, यानी कि उसको ग्राफ के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में आपको नहीं दिया जाएगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ आपके पास जो डेटा होगा ना, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब लाइक एक पैराग्राफ के फॉर्म में होगा। जैसे आप लोग रीजनिंग में पजल वगैरह बिठाते हो ना, तो कैसे पैराग्राफ के फॉर्म में पूरी पजल होती है, बस उसी की तरह डिटो कॉपी, है ना। तो देखा जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन फर्क क्या होगा, डेटा होगा वो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी कि पैराग्राफ के फॉर्म में दिया जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर करना क्या होता है, तो इसके अंदर भी जैसे आप लोग सबसे पहले रीजनिंग में क्या करते थे, जैसे कोई भी पजल बिठाते हो भाई, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का आपका पजल होता है, तो आप क्या करते हो, या तो पर्सन को लाइन पे बिठाते हो या सर्कल में बिठाते हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, डेटा को अरेंज करने का काम करते हो। तो ये टॉपिक के अंदर भी हमें सबसे पहला काम यही करना होता है, क्या करना होता है कि डेटा को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करना, डेटा को अरेंज करना। चलो अब आप बोलोगे सर डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, देखते जाना। तो अगर मैं जनरली डेटा को अरेंज करने की बात करूँ, तो सबसे पहला एक सिंपल फॉर्म बनता है डेटा को अरेंज करने का, वो होता है टेबल। कि जो भी आपके पास डेटा है, उसको आप क्या करो, टेबल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में उनको आप रिप्रेजेंट करने की ट्राई करोगे। ये सबसे कॉमन और सिंपलेस्ट तरीका है, बराबर। या तो कभी कभी देखो हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है तो बहुत बार डेटा उस लेवल का आएगा, तो उसके अंदर हम डेटा को अरेंज करने के लिए वेन डायग्राम की भी हेल्प लेंगे। अब वेन डायग्राम वगैरह क्या होता है, तो लगभग आप लोग परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पे पढ़े होंगे, तो उसके अंदर ये कंसेप्ट पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम लोग आगे जाके इसके अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा वेन डायग्राम क्या होता है और कैसे करना, बराबर। तो ये डेटा को अरेंज करने का एक दूसरा तरीका है। बहुत बार देखो क्या होता है, वेन डायग्राम से डेटा अरेंज करोगे ना, तो आपका अरेंजमेंट भी बहुत आसानी से हो जाता है और डेटा को अरेंज करना भी बहुत आसान बन जाता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करने के लिए वेन डायग्राम का भी हेल्प लेंगे। ओके चलो, तो ये मेरी बात सबको समझ में आ गई। पर कभी कभी एस टाइप का डेटा होगा, जिसमें क्या होगा, टेबल की भी जरूरत नहीं पड़े और वेन डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़े, सिंपली आप डेटा को लिख के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते, बराबर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मिसेलिनियस। यानी कभी कभी ऐसा होगा कि जिसके अंदर आपको कोई भी ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपली आप डेटा को लिख के भी अरेंज कर दो। आप मेरी बात समझ रहे हो, अब वो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अब देखो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यही है, जैसे मानो एग्जाम में आपके सामने डेटा कैसलेट आया, तो पता कैसे चलेगा कि सर टेबल, डेटा को मैं टेबल के फॉर्म में अरेंज करूं, वेन डायग्राम के फॉर्म में अरेंज करूं, या कभी कभी बहुत सिंपल डेटा होता है तो बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आप अरेंज कर सकते हो, कुछ भी बिना बनाए, बराबर। अब वो कैसे पता चलेगा, तो वो जैसे जैसे आप लोग, जैसे आपके सामने डेटा कैसलेट आया, आप शुरुआत की जैसे 2-3 लाइन पढ़ोगे ना, तो वहीं से आपको थोड़ा सा जजमेंट, लगभग 99% जजमेंट आ ही जाएगा कि मुझे डेटा को क्या करना पड़ेगा, टेबल में ही अरेंज करना पड़ेगा, या तो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप वेन डायग्राम का यूज कर लो, या तो कभी कभी इसकी भी, दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं भी पड़े, बराबर। तो इस टाइप से आप लोग का सबसे पहला काम क्या करोगे, डेटा को अरेंज करने का काम आपको करना है। इन शॉर्ट, जो डेटा आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, जो डेटा आपके पास पैराग्राफ के फॉर्म में है,
उसको पहले हम क्या करेंगे, एक छोटे से ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, चाहे वो टेबल हो सकता है, चाहे वो वेन डायग्राम हो सकता है, या तो और भी कोई मिसेलिनियस आपका चार्ट हो सकता है। ओके, चलो, तो यहाँ तक की तो बात आपको सबको समझ में आ गई है कि सर एग्जैक्टली डेटा कैलकुलेट क्या होता है, बराबर। चलो, तो लिख दो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, हाँ सर यहाँ तक की बात क्लियर है। तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या होगा हमारी बैंक एग्जाम्स के अंदर, बराबर। चलो, तो सारे बच्चे पहले क्या करो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो हाँ सर यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हम चलते हैं आगे टॉपिक के इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। चलो सारे बच्चे लिखना है ना, चलो वेरी गुड, सुपर, लगभग यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। अब बारी आती है कि सर टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या होगा, हम बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें इम्पोर्टेंस क्या है टॉपिक का। तो जनरली देखो बैंकों के अंदर हम लोग दो लेवल की एग्जाम को टारगेट करते हैं, एक क्लेरिकल एग्जाम आता है और दूसरा आपका ऑफिसर लेवल का, जिसको हम लोग पीओ बोलते हैं। और अगर आप इंश्योरेंस को टारगेट करते हो तो भी चलेगा, बराबर। और उसमें भी दो ही पोजीशन है, एक असिस्टेंट यानी क्लेरिकल पोजीशन और एक उसमें एओ आएगा। एओ का फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बराबर। तो अगर हम लोग क्लेरिकल एग्जाम्स को टारगेट करेंगे तो जनरली देखो प्री एग्जाम में तो आने का चांस बहुत कम है, लेकिन आप लास्ट एक दो साल के पेपर देखोगे ना तो कभी कभी क्लेरिकल की प्री एग्जाम में भी डेटा कैसलेट आया है। तो आने का चांस बहुत कम है, लेकिन आए तो कितने मार्क्स का आएगा, यू नो वेरी वेल 5 मार्क्स का आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे ही होंगे अगर आए तो, बराबर। चांसेस तो वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत बार आप लोग लास्ट 2-3 साल के पेपर को चेक करोगे तो बहुत बार क्लेरिकल की प्री एग्जाम में भी कभी कोई शिफ्ट में ये टॉपिक पूछा जाता, बराबर। लेकिन अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करता हूँ तो मेंस एग्जाम में तो कन्फर्म टॉपिक से 1 से 2 सेट आएंगे आएंगे। 1 से 2 सेट का मतलब आप समझ गए, एक सेट होगा ना तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, बराबर। और अगर मानो कभी कभी 2 सेट मेंस एग्जाम, कम से कम एक सेट तो मिनिमम आएगा। और कभी कभी देखो आजकल क्या है, ट्रेंड ऐसा बना है कि एक की जगह आपको 2 सेट दिए जा रहे हैं और दोनों सेट में क्या कर रहा है, एग्जामिनर तीन तीन चार चार क्वेश्चन रख रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी मेंस एग्जाम में 2 सेट आ जाए और दोनों में तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपको दे दे, बराबर। तो अभी तक का तो रिकॉर्ड ऐसा है कि मेंस एग्जाम में, क्लेरिकल की मेंस एग्जाम में एक सेट बनता ही बनता है, कन्फर्म है, बराबर। चलो अब बारी आती है तो सर पीओ की एग्जाम के अंदर ऑफिसर लेवल की एग्जाम में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं प्री एग्जाम की बात करता हूँ, तो प्री एग्जाम में कन्फर्म 5 मार्क्स का आने वाला टॉपिक है, कन्फर्म 5 मार्क्स का। जैसे अभी हमारा ये रिसेंट नोटिफिकेशन आया है SBI PO IBPS PO, तो अगर कोई बच्चा इस दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है तो वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि उनको प्री एग्जाम में डेटा कैसलेट का एक सेट मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है। ओके, और अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो मेंस एग्जाम में ये टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। रीजन, तो रीजन यू नो वेरी वेल कि ऑफिसर की मेंस एग्जाम में देखो पूरा सब्जेक्ट ही रहता है, अलग सेपरेट सेक्शन होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप लास्ट 2-3 साल के पेपर को उठा के चेक करोगे तो मेंस एग्जाम में कम से कम 2 से 3 सेट ये टॉपिक से पूछे जा रहे। लेकिन 3 सेट पूछे जा रहे इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक सेट में 5-5 क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे तीन तीन क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन वाले 2 से 3 सेट आपको पूछे जाएंगे मिनिमम, सुन लेना, बराबर। तो इसका मतलब मेंस एग्जाम के अंदर आप ये टॉपिक से कम 8-10 जितने क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करके चलोगे, 2 से 3 सेट आपको मिनिमम पूछेंगे पूछेंगे, बराबर। तो आप समझ गए कि टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी मेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा है, लेकिन पीओ की प्री एग्जाम में भी कन्फर्म 5 का आएगा। लेकिन क्लेरिकल की बात करें तो प्री में आ सकता है, गारंटी नहीं है, बाकी पीओ में तो आप निश्चिंत रहो आएगा ही आएगा। ओके, चलो, तो ये बात भी आपको सबको समझ में आ चुकी है कि ये हमारे टॉपिक का इम्पोर्टेंस है। अब बारी आती है कहाँ पर कि
सर ये टॉपिक आने के लिए कुछ प्री रिक्विजाइट्स होती है। जैसे आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो हम बच्चे लोगों को बताते हैं कि भाई बच्चे लोग आप लोगों को क्या कुछ स्क्वायर है, कुछ टेबल है, कुछ क्यूब्स है, जो आपको याद रखने होते हैं, जो आपको आने चाहिए। तो वैसे ये टॉपिक पढ़ने के लिए देखो आपको तीन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पहला तो है वो एवरेज, सिंपल एवरेज वगैरह कैसे काउंट करना, वो अच्छे लेवल पे आपको आना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक है वो रेशियो का अच्छे लेवल पे नॉलेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो परसेंटेज। अगर ये तीन टॉपिक आपको नहीं आता है तो सबसे पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, क्या करो आप लोग पहले ये तीनों एरिथमेटिक के चैप्टर्स को अच्छे लेवल पे पढ़ लो, इसके बाद टॉपिक को उठाना, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि देखो उसके पीछे का सीधा रीजन है, कोई भी सेट चालू करूंगा ना मैं सॉल्व करवाना तो वो बिना रेशियो बिना परसेंटेज अधूरा होगा। उसके बिना आप डेटा कैलकुलेट को इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले देखो बहुत इतना एकदम हाई लेवल का नॉलेज भी नहीं, बट एटलीस्ट कुछ बेसिक चीजें, रेशियो कैसे निकालना है, रेशियो से वैल्यू कैसे काउंट करना है, परसेंटेजेस कैसे निकालना है, परसेंटेज में क्वांटिटी का कंपैरिजन कैसे करना है, ये चीजों का नॉलेज होना चाहिए। बराबर? तो मैं इतना भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम हाई मेंस लेवल का टॉपिक, बेसिक नॉलेज जो होना जरूरी। ओके डन है? तो अगर इतनी चीजें आएगी तो डेफिनेटली समझ लो टॉपिक आपको आ जाएगा, वो मेरी श्योरिटी है। तो आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लो। बराबर? हाँ, और दूसरी चीज है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें शुरुआत करनी है सेशन की। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है, कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, उनके पहले उनके दिमाग में कुछ चीजें फिट होती है क्या, कि सर ये तो मुझे नहीं आता है, नहीं आता है, और कितना भी अच्छा पढ़ा ले पढ़ाने वाला, लेकिन दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो वो चाहे तो भी नहीं सीख पाएगा। तो पहले तो आप अपना माइंड सेट बदल दो, डेटा कैलकुलेट मुझे आता है और मैं बहुत अच्छे लेवल पे सीखूंगा और बहुत अच्छे मार्क्स में लाने वाला हूँ। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप टॉपिक की शुरुआत करने वाले। ओके चलो, तो फाइनली चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, और एक आध दो तीन सेट में आज लेने वाला हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको हर चीजें पता चलती जाएंगी। बराबर? तो अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, दो तीन सेट मुझे करवाने दो। जैसे हम दो से तीन सेट करेंगे वैसे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता जाएगा कि सर इतना बहुत आसान होता है। प्री लेवल पे तो टॉपिक बहुत आसानी आसान होता, मेंस के लिए कभी कभी कुछ चीजें लॉजिकल होती है, वो जब आएगा तब देखेंगे, अभी उसका बिल्कुल टेंशन मत। अभी तो हमारा मेन फोकस क्या है, प्री एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सीख रहे हैं और आगे जाके लेवल बढ़ा के हम उसको मेंस तक भी ले जाएंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो लिख दो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हाँ सर, यहाँ तक की बात क्लियर। तो चलते हैं, आज का हमारा सबसे पहला सेट शुरू करने जा रहे हैं। ओके चलो लिखो फटाफट जल्दी। चलो वेरी गुड वेरी गुड, सुपर, लगभग ऑलमोस्ट बच्चे को हर बात समझ में आ गई। ओके चलो, तो अब ये रहा आज का हमारा सबसे पहला सेट। शुभ शुरुआत कर रहे, बहुत छोटे से बहुत बेसिक सेट से शुरुआत कर रहे। तो बिना टेंशन लिए पहले आप लोग क्या करो, इनिशियली मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। सारे बच्चे पहले सेट को थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, पांच दो पांच सात स्टेटमेंट पढ़ो, धीरे धीरे आपको आइडिया आएगा, फिर हम लोग डेटा को अरेंज करने की ट्राई कर रहे। चलो फटाफट। चलो लगभग पढ़ लिया आप लोगों ने, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, तो अब हम लोग शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं। चलो सारे बच्चे पेन रख दो और कंप्लीट अटेंशन ईयर देखते जाओ, बिल्कुल आराम से हम धीरे धीरे शुरुआत करें, बिंदास एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे।
जैसे आप लोग रीजनिंग में कैसे पजल में एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हो और डेटा को लिखते जाते हो, बस वैसा ही हम लोग कुछ करने वाले। बराबर, देखो क्या बोला है, देर आर 6400 स्टूडेंट्स इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 6400 बच्चे हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:9 है। चलो बस सबसे पहला काम देखो, टोटल 6400 है। अब इसमें आपको पता है कि भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:9 है। तो बोलो सबसे पहला काम मैं क्या करूँ, टोटल है, रेशियो है, तो क्या आप वहां से दोनों की इंडिविजुअल एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ सकते हो? बिल्कुल आराम से ढूंढेंगे। कैसे, देखो करो, रेशियो का टोटल 16 पार्ट, तो इसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी बनेगी, 400। तो ये 7 पार्ट की वैल्यू कितनी बनेगी, 2800। और ये 9 पार्ट की वैल्यू कितनी बनेगी, 9 चौक 3600 बनेगी। इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, वो डेटा हमें मिल गया। ओके कोई बात नहीं, पढ़ो आगे। बस यहाँ से इतना मिल रहा था। बस देखो यही तरीका आपको लगाते जाना, एक एक दो दो लाइन पढ़ते जाओ, जैसे जैसे समझते जाओ वैसे वैसे डेटा को लिखते जाओ। बराबर, चलो आगे चलते। क्या लिखा, ऑल द स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। एनरोल्ड का मतलब एडमिशन लिया है सारे बच्चों ने, किसमें, इन 6 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, 6 अलग अलग स्पेशलाइजेशन। कौन कौन है, एक बीई के बाद लिखा है ईसी। ईसी का मतलब आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है। उसके बाद दूसरा कौन है, बीई सी एस, सी एस यानी कंप्यूटर साइंस। तीसरा है बीई आई टी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई मैकेनिकल, बीई सिविल और बीई एरोस्पेस। यानी देखो 6 अलग अलग इंजीनियरिंग के डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, उसमें सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। बराबर, चलो ओके वेरी गुड। अब आगे पढ़ो, 18%। अब यहाँ से तो बस इतना पता चल गया है कि भाई 6 ब्रांच के बारे में कोई ना कोई बातें हो रही है, ये सारे बच्चों ने ये ब्रांचों में मिलकर एडमिशन लिया है। ओके अब आगे पढ़ो, 18% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर इन बी ई आई टी। अब टोटल जितने भी बच्चे हैं उसका कितना, 18% है वो बी ई आई टी में है। चलो तो अब देखो मैं क्या करूंगा, तो टोटल बच्चे मेरे पास देखो 6400 है। बराबर, तो इसका 18% में निकालूंगा तो वो कौन होंगे, बीई आई टी में एनरोल्ड हुए बच्चे होंगे। तो अब एक काम करेंगे, देखो वैल्यू तो मैं आराम से निकाल लूंगा, लेकिन अब साथ में आप लोग क्या करो पता है, डेटा को अरेंज भी करते जाओ। तो मैं समझ रहा हूँ तब तक बेस्ट होगा क्या करते, एक टेबल जैसा ही बना देते हैं, जिसमें मैं क्या करता हूँ, देखो पहली कॉलम में क्या करता हूँ, ब्रांच के नाम लिख देता हूँ। तो पहली कॉलम में देखो पहली ब्रांच आपकी ईसी आ गई, दूसरी वाली ब्रांच हम लोग क्या ले लेते, कंप्यूटर साइंस ले लेते, तीसरी वाली ब्रांच में आईटी ले लेता हूँ, चौथी वाली ब्रांच है वो आपकी मैकेनिकल ले लेता हूँ, एमईसी लिख देता हूँ, पांचवी वाली ब्रांच को हम सिविल ले लेते हैं, और छठी वाली ब्रांच को हम क्या करते हैं, एरोस्पेस ले लेते हैं। आप मेरी बात समझ गए है ना? तो बस एक छोटा सा एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर बना दो, मैं समझ रहा हूँ तब तक, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके चलो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे डेटा पता चलता जाएगा वैसे वैसे हम लोगों को लिखते जाना है। बराबर, चलो तो ये पहली वाली कॉलम में मैं लिखूंगा टोटल स्टूडेंट्स, देखते जाना। पहली कॉलम बना दी, तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है आपके सामने है, देखो कि जो भी टोटल स्टूडेंट है उसका 18% बीई आईटी के अंदर है, तो आईटी के अंदर इधर 18% आएगा। 18% कैसे निकालेंगे, मेंटली सोचोगे तो 20% निकाल के 2% को माइनस कर दूं, तो 20% देखो 10% मेरा 640, तो 20% कितना, 1280 आएगा, उसमें से 2% 128 को आप सबट्रैक कर दो, तो ये बनेगा 1152। तो 1152 आपको क्या मिलेंगे, पीई आई टी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट मिलेंगे। बताओ क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत आसान है देखते जाना। बराबर चलो फिर आगे पढ़ते क्या लिखा है, 15% ऑफ द गर्ल्स आर इन बीई सी एस। चलो देखते जाना, अब गर्ल्स की बारी हो गई। अब हमारे पास तो देखो टेबल में कॉलम है, उसमें तो मैंने टोटल ही लिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब मेरे को एक गर्ल्स वाली भी कॉलम बनानी पड़ेगी, तो इसका मतलब अब देखो गर्ल्स वाली बनानी पड़ेगी तो डेफिनेटली बॉयज वाली भी बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, दो कॉलम को और ऐड कर देते हैं, एक बॉयज वाली और एक गर्ल्स वाली, बस खत्म। चलो तो अब देखो डेटा, अब दोबारा हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, गर्ल्स है उसकी 15% किसमें है, सी एस में है, तो सी एस में यहाँ पर आपको गर्ल्स लिखनी है 15%, तो
तो पहले तो आप देखो आपके पास टोटल गर्ल्स, यहाँ मैं टोटल लिख देता हूँ लास्ट में, बराबर। तो हमारे पास देखो टोटल बच्चे इधर 6400 है, देखते जाना। इधर हमारे टोटल बॉयज कितने आए थे, ये 2800 है, और टोटल गर्ल्स हमारी कितनी है, इधर देखो ये 3600 है। तो अब देखो ये जो 3600 टोटल गर्ल्स है ना, इसमें से 15% CS में है, तो इसका 15% कैसे निकालेंगे, तो देखो 10% 360, 5% 180 टोटल करेंगे तो 540। मेंटली कर लेना है 540। छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए आपको पेन नहीं चलानी है, आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, देखो ये वाले स्टेटमेंट को भी बिठा दिया बहुत आराम से। चलो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, देखो 20% ऑफ द बॉयज आर इन बीई मैकेनिकल। बीई मैकेनिकल में कितने बॉयज है, 20% बॉयज है। चलो तो देखो टोटल बॉयज मेरे पास 2800 है, तो 2800 का पहले मैं क्या करूंगा, 20% निकालूंगा, तो 10% 280 होगा, तो 20% कितना होगा, 280 का डबल 560, तो 560 कौन होंगे, पीई के मैकेनिकल के बॉयज हो जाएंगे 560। तो यहाँ लिख दो 560, यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई, बराबर। बस देखो ऐसे एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ और डेटा को आपको लिखते जाना। चलो पढ़ो आगे क्या लिखा है, गर्ल्स इन बीई सिविल इज 30% ऑफ द गर्ल्स इन बीई सी एस। चलो बीई सिविल देखते जाना, यहाँ लिखता हूँ किसकी, गर्ल्स की बात हो रही है, किसकी, सिविल की जो गर्ल्स है वो 30% है, किसका, तो 30% किसका है, गर्ल्स इन बीई सी एस। तो देखो हमारे पास बीई सी एस की गर्ल्स कितनी है, 540 है, समझ में आया। तो 540 का 30% कितना होगा, तो 10% 54 होगा, तो 30% कितना होगा, तो 54 का 3 गुना, तो 50 × 3 150, और 4 × 3 12 162। तो 162 गर्ल्स कहाँ आएगी, सिविल में आएगी, तो सिविल में जाइए वहां गर्ल्स में लिख दो आप लोग 162। क्या आप ये मेरी बात समझे, कितना आसान हो गया, देखना ये 162 हमने यहाँ लिख दिया। ओके चलो फिर आगे चले, बस ऐसे एक एक स्टेटमेंट को पकड़ते जाओ, लिखते जाओ और समझते जाओ, आराम से होता जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। चलो और थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखो क्या बोला है, 15% ऑफ द बॉयज, बराबर समझना कितने बॉयज का 15% है वो ईसी के अंदर है। चलो तो बॉयज अपने पास देखो 2800 है, अब 2800 का 15% निकालना है, कैसे निकालूंगा, तो 10% 280, 5% आधा 140, यानी कितने बनेंगे 420। तो 420 बॉयज किसके होंगे, ईसी के होंगे, तो इसी में जाके यहाँ बॉयस हम लिख दिए 420। क्या आप मेरी बात समझे, बिल्कुल आराम से लिख दिया। फिर पढ़ो आगे, बॉयस इन बीई सी एस, देखते जाना किसकी बात हो रही है, नया स्टेटमेंट, बॉयस इन बीई सी एस। चलो देखते जाना, मैं लिखता हूँ सी एस के बॉयस वो कितने हैं, तो वो 125% है, किसका, द गर्ल्स इन द सेम स्पेशलाइजेशन। इन द सेम स्पेशलाइजेशन का मतलब कंप्यूटर साइंस की ही बात हो रही है, तो कंप्यूटर साइंस की जो गर्ल्स है ना उसका 125% है। तो आप देखो क्या आपके पास कंप्यूटर साइंस की गर्ल्स पड़ी है, आप पड़ी है, देखो 540 आपके सामने दिख रहा है, 540 दिख रही है, देखो कंप्यूटर साइंस की गर्ल्स, तो उसका 125%, तो 125% का मतलब 5/4 × 540। क्या आप मेरी बात समझे, तो बहुत आसान हो गया। तो देखो आप लोग क्या करो, तो मैं तो समझता हूँ आप 5/4 करोगे तो भी चलेगा, या तो 540 का 25% निकाल के ऐड करोगे तो भी चलेगा, दो में से कोई भी तरीका चलेगा, जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर दो, है ना। तो अभी मैंने 5/4 किया है, तो मैं 5/4 ही कर रहा हूँ, देखते जाना। तो पहले 4 से काटेंगे तो आधा का आधा, तो 540 का आधा 270, और 270 का आधा 135, और 135 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करो, 140 × 5 कर दो 700, और 700 में से 5 × 5 25 को सबट्रैक्ट कर दो, यानी 675। तो 675 कौन आएंगे, कंप्यूटर साइंस के बॉयज आ जाएंगे, तो दिस वैल्यू बिकम अ 675। आई होप आप मेरी बात समझ गए, इससे फायदा ये हुआ कि आप चाहो तो कंप्यूटर साइंस के टोटल स्टूडेंट ढूंढ सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो अभी रहने दो। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है, तो पहले तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, हाँ सर यहाँ तक की हर एक बात हम लोगों को समझ में आ गई है। चलो फटाफट जल्दी सारे बच्चे।
देखो, सबसे चैलेंजिंग पार्ट डेटा कैसलेट में यही होता है, डेटा को अच्छे लेवल पे अरेंज करना। छोटी सी भी कहीं गलती करोगे डेटा को कैलकुलेट करने में या तो अरेंज करने में, तो गए एक भी क्वेश्चन हाथ में नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन गलत जाएंगे। चलो फटाफट जल्दी। चलो ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की बात सबको क्लियर है, अब चलते थोड़ा सा और आगे, देखते जाना। 10% ऑफ द गर्ल्स आर इन बीई एरोस्पेस। चलो बीई एरोस्पेस में कितनी गर्ल्स है, 10% है। तो गर्ल्स कितनी है, 3600 है। तो 3600 का 10% निकालेंगे तो 360, तो 360 गर्ल्स किस में जाएगी, एरोस्पेस में। तो यहाँ लिख दो 360। ओके चलो फिर आगे पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन बीई सिविल। चलो देखते जाना, बीई सिविल के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:2 है। इधर देखना, बाहर लिख रहा हूँ, सिविल के अंदर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:2 दिया है। तो अब एक काम करो रे, देखो आपके पास टेबल में एक वैल्यू पड़ी है, किसकी वैल्यू पड़ी है पता है, किसकी वैल्यू पड़ी है, गर्ल्स की वैल्यू पड़ी है 162। देखो सिविल में गर्ल्स 162 है, इसका मतलब ये दो पार्ट आपका 162 होगा। तो वहां से एक पार्ट की वैल्यू आप क्या ढूंढोगे, तो दो पार्ट अगर 162 का होगा तो एक पार्ट होगा वो 81 का होगा। तो फायदा क्या हुआ, रेशियो से आपको सिविल के बॉयज भी मिल गए। देखो कितना आराम से, मैंने पहले ही बोला है रेशियो के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट तो आने जरूरी ही होंगे आपको। ओके चलो फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा। 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना स्टूडेंट की बात हो रही है, टोटल बच्चों का 20% है वो ईसी में है। चलो तो टोटल बच्चे अपने 6400 है, देखो 11, तो इसका कितना 20% यानी 1280, तो 1280 कहाँ आएंगे, ईसी में आएंगे। इधर देखो अब बहुत आसान हो गया, अब टोटल 1280 यहाँ है, इधर 420 चले गए, तो बाकी बची हुई कौन होगी, गर्ल्स होगी। चलो तो गर्ल्स कितनी होगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 8860, 860। तो 860 आपको क्या मिल गई, ईसी की गर्ल्स मिल गई। ओके चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया है, देखो अगेन रेशियो दिया है किसका, बॉयज पर गर्ल्स का, किस में, एरोस्पेस में 11:6 का रेशियो दिया है। इधर देखो 11:6 का रेशियो दिया है किसमें, एरोस्पेस के अंदर। अब आप लोग टेबल में पहले तो जाके देख लो कि एरोस्पेस की कोई वैल्यू आपके पास पड़ी है, तो आप देखोगे तो अरे वाह, इसके अंदर भी देखो हमारे पास एक एरोस्पेस का वैल्यू पड़ा है, उसकी गर्ल्स पड़ी है 360। तो इसका मतलब ये 6 पार्ट है वो गर्ल्स का है, तो 6 पार्ट होगा वो 360 का होगा, तो एक पार्ट कितने का होगा, 60 का होगा। तो 11 पार्ट कितने का होगा, 660 का होगा। क्या आप मेरी बात समझे, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 660। क्या आप मेरी बात समझ गए, बहुत आसान हो गया। लो ये हो जाएगा 660, खत्म। फिर क्या बोला है, बस खत्म, और कुछ भी दिया नहीं है। तो यहाँ पर देखो लगभग जो टेबल, सॉरी जो कैसलेट के अंदर डेटा दिया था वो सारा मैंने लिख दिया। अब आप बोलोगे सर अभी भी तो बहुत सारी वैल्यू इसमें मिसिंग है, तो आपको क्या करना है, देखो जो जो चीजों की जरूरत है वो निकालोगे, और जहां लग रहा है कि अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो उसको टेम्पररी रहने देना, फालतू में टाइम पास मत करना, बराबर, जरूरत पड़ेगी तो आप निकालना, बाकी जाने देना। चलो तो सबसे पहले तो देखो मैं एक काम करूंगा, इसकी वैल्यू तो मैं आराम से ढूंढ सकता हूँ, आईटी के बॉयस, ये वैल्यू जिसपे मैं राउंड कर रहा हूँ कैसे ढूंढेंगे पता है, तो बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास सबका टोटल 2800 है, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, ये 5 लोगों का टोटल करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट द बॉयज ऑफ आईटी। बोलो हाँ या ना। चलो तो पहले मैं फटाफट देखना सबका टोटल कर देता हूँ, इधर देखना ये 5 और 5 का टोटल कर दो, 5005, 1 और ये 5 और 1, लास्ट में बनेगा 6। देखते जाना, गलती नहीं करनी है बिल्कुल। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 6 कितना होगा, 29 का 9, कैरी बनेगा 2। 10 और 2 12, 12 और 5 आपका हो जाएगा कितना, 17, 17 और 6 आपका कितना बन जाएगा, 23, 2396। क्या आप मेरी बात समझे, तो 2800 में से 2396 जाएगा, तो दिस वैल्यू बिकम अ 404। कितना मस्त हो गया, देखो पहला वैल्यू मिल गया आईटी के वॉइस। अब एक काम करो, गर्ल्स की ये दोनों वैल्यू मिसिंग है, तो ये दोनों कैसे निकालेंगे, तो देखो जैसे आपको
आईटी का टोटल है, आईटी के बॉयज मिले तो यहाँ से गर्ल्स की वैल्यू भी आराम से निकालोगे कितनी मिलेगी, तो इसमें से माइनस कर दो तो 1100 में से 400 जाएगा 700, और 52 में से 4 जाएगा 4800, दिस विल बिकम अ 480, सॉरी 780, 748 खत्म। अब यहाँ से तो अरे वाह, ये वाली गर्ल्स की वैल्यू भी आप बिल्कुल आराम से निकालोगे, बिल्कुल आराम से निकालोगे, देखते जाना कैसे। तो अब मैं वही समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, देखना। तो यहाँ पर भी सेम जैसा हमने बॉयज में किया ना, बस वैसी सेम कहानी आपको करनी है, बराबर। तो कैसे करेंगे देखते जाना। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट ये गर्ल्स का टोटल कर दूँ, ये 5 गर्ल्स है उसका तो टोटल कर दो, तो 8 और 2 10, तो पीछे 0 कैरी 1 बराबर, ये कितना बनेगा 10 और 1 11 और 4 15, 15 और 12 27, 15 और 12 कितना 27 का 7 कैरी बनेगा 2, मेंटली करो 15, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 3, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, तो ये बनेगा 2670 डन। तो अब मैं क्या करूंगा, 2600 में से 2670 को माइनस कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगी, बाकी की गर्ल्स मिल जाएगी, तो कितना आएगा 1000, और 1000 में से 70 जाएगा तो दिस वैल्यू बिकम 930, खत्म सॉल्व, बस खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर ये टोटल वाली कॉलम को बनाए नहीं बनाए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि राइट नाउ उसकी कोई जरूरत है, बराबर। हाँ आगे जाके क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो फटाफट टोटल कर देंगे, क्यों फालतू में 4 टोटल करके मैं मेरा, क्योंकि टाइम आपको पता है एक एक सेकंड की वैल्यू है बराबर, तो फालतू में जहां जरूरत नहीं है अभी जरूरत नहीं है तो उसको रहने ही दो बराबर। चलो तो लिख दो पहले सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, हाँ सर मजा आ गया, पूरा सेट समझ में आ गया है। देखो यही काम आपको करना है, बाकी मैंने पहले ही बोला है टॉपिक आपको मैं सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है, लेकिन आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव होगा, कुछ सीखने की भावना से बैठोगे तो गारंटी के साथ डेटा कैसलेट आएगा ही आएगा बराबर। चलो तो लिख दो पहले कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, तो हम फिर उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। देखो क्वेश्चन उड़ाना बहुत आसान होगा, मेन चीज है डेटा को अच्छे लेवल पे अरेंज कर लो, बात खत्म है ना। चलो लिखो फटाफट, सारे बच्चे जल्दी लिखेंगे फटाक। चलो वेरी गुड सुपर, तो आई थिंक सबको बात समझ में आ गई है, तो चलेंगे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्या बोला है देखना, क्वेश्चन नंबर 1। चलो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन बीई मैकेनिकल। चलो तो मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मैंने जो भी कैलकुलेट किया वो पीछे वाली स्लाइड में, उस पर तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो बीई मैकेनिकल की गर्ल्स, तो मैकेनिकल में गए और उसकी गर्ल्स कितनी है 930। देखो हमने सबसे वैल्यू जो लास्ट में निकाली ना उसी का क्वेश्चन पूछा है, 930 दिया है नहीं दिया है तो भाई कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस, हमें अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखना है, नो डाउट। देखो भाई पहला ही बार सॉल्व किया और पहले ही क्वेश्चन में नन ऑफ दिस आता है तो क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बराबर, लेकिन हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं है बराबर। हाँ अगर मान लो आगे जाके हर क्वेश्चन में कहीं नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस आए, तो फिर कहीं इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट पहला क्वेश्चन नन ऑफ दिस आया तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं बराबर। चलो आगे चलते थोड़ा सा और आगे उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एनरोल्ड इन बीई आई टी। चलो बीई आई टी के बॉयज निकाले, चले ये आई टी पे चले गए, अब उसके बॉयज चाहिए तो कितने आए 404। देखो ये तो हमने अब भी राइट नाउ निकाले, दिखे 404, अरे वाह देखो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, अदरवाइज ये भी नहीं आता है ना बस तो बिंदास बिना टेंशन लिए, हमें अपनी कैलकुलेशन पे उतना तो भरोसा करना पड़ेगा। चले आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो रेशियो निकालना बोला है किसका, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है किसमें, एनरोल्ड इन बीई एरोस्पेस, ध्यान रखना बीई एरोस्पेस के स्टूडेंट
और फिर बोली है गर्ल्स किसकी, आईटी की। चलो तो एरोस्पेस के टोटल स्टूडेंट और आईटी की गर्ल्स, तो पहले तो एरोस्पेस के टोटल स्टूडेंट निकालूंगा, तो 660 और 360, तो 66 में 36 को ऐड करेंगे तो 102, 1020 बराबर, ये 1020। और आईटी की गर्ल्स कितनी, 748, कितनी है 748 लिखेंगे, सॉरी रेशियो था ना, हाँ ये रहा, तो ऊपर बना था 1020 और ये बनेगा 748। आई होप क्लियर। चलो अब ऊपर नीचे से देखो, काट कूट करना पड़ेगा, दूसरा आपके पास मुझे नहीं लग रहा राइट नाउ कोई ऑप्शन है, तो बोलो कितना कॉमन है। तो लगभग मेरे हिसाब से चार चार तो दिख रहा है, तो आप चाहो तो चार चार से काट लो पहले, देखो दूसरा ऑप्शन है नहीं बराबर। हाँ तो चार से काटेंगे तो आधा 510, 510 का आधा 255, अब ये चार से काटेंगे तो 18 चौक 72, बचा हुआ 2 और 8 187, अब ऊपर 255 नीचे 187, तो जैसे 187, देखो 255 को देख के तो लग रहा है 51 × 5 है, और 51 का मतलब 17 × 3, तो आप देखोगे तो देखो नीचे आपके पास क्या 17 कॉमन है, यस देखो 17 कॉमन है, 11 × 17, 187 का मतलब। सिंप्लीफिकेशन भी अच्छे लेवल पे आना जरूरी था, ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग, दिस इज 11 × 17, तो देखो ये 17 ऊपर से कट जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 17 से काटू तो 11, 17 से काटो 17 × 1 = 17, 17 × 5 = 85, तो ऊपर बनेगा 15 नीचे बनेगा 11, तो 15 11 का रेशियो दिया है 61 दिया, ऑप्शन सी बराबर, कुछ नहीं कटे ऐसा बिल्कुल नहीं है, आराम से दोनों में 17 17 कैंसिल हो रहा है, ओके डन है। लेकिन बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन में एक जगह स्टूडेंट बोला है और एक जगह गर्ल्स बोली है, बी केयरफुल, है ना, बहुत बढ़िया। देखो गलती करनी नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर के टाइम में इतनी जल्दबाजी होती है कि हम गलती कर बैठते, ये चीजों का खास ध्यान रखना, ओके चलो नेक्स्ट क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बीई सिविल, ध्यान रखना बीई सिविल के टोटल स्टूडेंट इज अ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सीएस, यानी सिविल के टोटल स्टूडेंट और सीएस के टोटल स्टूडेंट, चलो ढूंढ के लाते हैं। देखो सिविल के टोटल स्टूडेंट में करता हूँ कितने, 81 और 162 कितना, 243, अरे वाह। और सीएस के, तो सीएस के तो अपने पास पड़े कितने, 1280, तो चलो क्या करेंगे तो ऊपर बनेगा, देखना क्या बनेगा, तो ऊपर वैल्यू बनेगा आपका 243, नीचे बनेगा कितना, 1280 × 100, क्या आप मेरी बात समझे, इज इट क्लियर कि गलती कर रहे हैं, एक सेकंड देखने, सीएस है ना, पीई सिविल और सीएस एक बार और चेक कर लो भाई, पीई सिविल के स्टूडेंट बराबर है ये 243, अरे सॉरी सॉरी हमने इसी का लिख दिया, देखना सीएस था ना, तो सीएस कितना आएगा, एक सेकंड, ये 11 और 1 = 1200, तो दिस वुड बिकम अ 1215, है ना, ध्यान रखना भाई ध्यान रखना, गलती मत करना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बनेगा कितना 1215, देखते जाना बिल्कुल गलती मत करना। और दूसरी चीज है, हम लोग आगे पीछे जा रहा है ना, तो कभी कभी गलती होने का चांस हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, ये बनेगा 1215। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे से काटेंगे, तो देखो मेरे हिसाब से कुछ नहीं पता चले तो लास्ट में 5 5 से तो कट ही रहा है, तो काटो भाई 5 से काट लो 20, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ये 24 × 5, ये 24 × 3, अरे वाह रे वाह मजा आ गया, लो डायरेक्ट कट गया खत्म, सीधा 20% आंसर, है ना, बैठे मत रहो, ज्यादा ज्यादा सोचने में भी इतना टाइम मत लगाओ, कितने से काटो कितने से काटो, 5 5 दिख रहा है तो काट के स्टार्ट तो करो, खत्म हो गया सीधा बन गया, लो ओके चलो वेरी गुड। चलेंगे तो अगले नए क्वेश्चन के ऊपर, देखना क्वेश्चन कितना आराम से बिठा रहे हैं, यही तो समझना है, सबसे चैलेंजिंग पार्ट डेटा को अच्छे लेवल पे अरेंज करना है, बाकी कुछ है नहीं टॉपिक में। लो आइए वन मोर क्वेश्चन पढ़ो,
लगभग पढ़ा आप लोगों ने। देखो क्या बोला है, बॉयज पूछे हैं एनरोल्ड इन बीई एरोस्पेस, एरोस्पेस के बॉयज चाहिए, इज अ व्हाट परसेंट मोर देन द गर्ल्स एनरोल्ड इन द सेम स्पेशलाइजेशन। अरे वाह, तो देखो मैं तो क्या करने वाला हूँ पता है, एरोस्पेस के बॉयज और गर्ल्स के बीच में पुला है क्या, कितना परसेंट ज्यादा है। तो एक काम करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, देखते जाना, वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि ये इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपके पास टेट की लास्ट लाइन में पड़ा है, देखो पड़ा है, इधर से पकड़ लो, खत्म। क्यों फालतू में सोचे, आपके पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 11:6 है, एरोस्पेस का ही तो है। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, अगर वैल्यू होती भी है तो हम क्या करते, रेशियो ले लेते कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो खत्म हो गया बस, यानी हम क्या समझेंगे, गर्ल्स 6 पार्ट है तो बॉयज 11 पार्ट होंगे, तो परसेंटेज मोर निकालना है। चलो तो परसेंटेज मोर कैसे निकालोगे, ऊपर दोनों का डिफरेंस 5 पार्ट, नीचे छोटा वैल्यू 6 × 100। और 5/6 हर बच्चा आपको पता होना चाहिए, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 83 सही, 1/3%, यानी अप्रोक्सीमेटली 83.33%। खत्म, दिया है एग्जैक्ट, दिया है ऑप्शन, पता ही होना चाहिए फ्रैक्शन परसेंटेज के बीच में रिलेशंस 6 लेवल पर, तो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। अदरवाइज फिर आपको वो छोटे बच्चों की तरह काटना पड़ेगा कि 500 को 6 से काटना है, तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे 500/6 करेंगे, 2 से काटेंगे 250, 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे, ये सब करोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा बराबर। हाँ, तो परसेंटेज फ्रैक्शन के रिलेशंस भी बहुत अच्छे लेवल पे आने जरूरी है, क्योंकि उसका आपको यहाँ बहुत एडवांटेज मिलेगा कैलकुलेशन के। मैंने बोला ना पहले शुरुआत में कि परसेंटेज बहुत हाई लेवल नहीं, लेकिन कुछ बेसिक्स चीजें जैसे ये परसेंटेज मोर निकालना, परसेंटेज लेस निकालना, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज और फ्रैक्शन के रिलेशंस, ये सब बेसिक चीजें तो आपको आनी जरूरी है। ओके डन, चलो तो लिखो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में फटाफट, कैसा रहा पहला सेट, कितना मजा आया और कितनी बात समझ में आ गई, लिख दो फटाफट, चलो जल्दी कम आउट, फिर चलेंगे एक नए सेट के ऊपर। सारे बच्चे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, है ना, चलो बहुत बढ़िया, लगभग ऑलमोस्ट बच्चे को बात समझ में आ गई, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब एक काम करिए, उठाते हैं दूसरा सेट हमारा आज का। तो पहले तो मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सारे बच्चे पहले डेटा को पढ़ो, समझो, इंटरप्रेट करो, एंड थोड़ा सा जजमेंट लगाओ कि डेटा को अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या किया जाएगा, और फिर हम शुरुआत करते हैं। चलो जल्दी फटाफट करिए स्टार्ट।
चलो ओके, लगभग पढ़ लिया है, थोड़ा सा जजमेंट आपको आ गया। तो अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहला काम डेटा को अरेंज करने की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे आराम से स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। जब कोई टॉपिक को पहली बार पढ़ेंगे ना भाई, तो अभी स्पीड का टेंशन मत लो, स्पीड लेटर स्टेज पे कवर करेंगे। लेकिन पहली तो चीज़ है कि सही चीज़ों को बिठाना सीखो। इतनी तेज रफ्तार से जाओगे लेकिन गाड़ी ही चलाना नहीं आएगा, तो रफ्तार का कोई मतलब नहीं है, है ना? तो पहली अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है कि मैं एटलीस्ट डेटा को बिठा के आंसर लाना सीखूं, सही आंसर। चाहे उसके लिए डेटा को सेट को बिठाने में 10 मिनट भी लगे ना, तो लगने दो बिंदास, बराबर। क्योंकि पहली जिम्मेदारी है टॉपिक का नॉलेज गेन करना। अब उसके लिए टाइम लगेगा, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो लगने दो बिंदास, है ना? तो जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी करोगे नॉलेज होगा नहीं, तो क्या मतलब है, आंसर भी नहीं आएगा एक। चलो तो शुरू करते, देखो क्या बोला। इन अ रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स, अ टोटल नंबर ऑफ 500 प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन अ 5 डिफरेंट गेम्स। देखो इसमें 5 अलग अलग गेम आ गए। जैसे अगले सेट में क्या था, 6 अलग अलग डिफरेंट स्पेशलाइजेशन थे, तो यहाँ ऐसे 5 अलग अलग गेम है। पहली गेम है वो एथलेटिक्स है, दूसरी हॉकी है, तीसरी लॉन टेनिस पूरा साथ में, चौथा रग्बी और पांचवा बैडमिंटन। तो मुझे तो लग रहा है अगेन कहीं हो सकता है, तो टेबल की जरूरत पड़ सकती है, जहां हम क्या करेंगे, पहली कॉलम में ये सारे गेम्स का नाम लिख देंगे। ओके पढ़ो तो सही, पहले आगे। 15% ऑफ द टोटल प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन। चलो टोटल का 15% बैडमिंटन में जा रहे हैं, तो अब एक काम करते, सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं, तो टेबल ही बना दूं। चलो पहली कॉलम में देखो गेम्स के नाम लिख देता हूँ, यहाँ एथलेटिक्स लिख देते हैं, यहाँ हॉकी का HOC लिख देता हूँ, लॉन टेनिस का LT लिख देता हूँ, रग्बी का RU लिख दूँ, और तीसरा है लास्ट में, सॉरी पांचवा है वो बैडमिंटन, और एक लास्ट में और कॉलम बना देते हैं टोटल के लिए। ओके, मैं समझ रहा हूँ तब तक यही बेस्ट होगा। एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर बना दो फटाफट, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो, उसका भी ध्यान रखना है ना? चलो बना दिया। अब कॉलम इसमें भी अभी तो मैं क्या करता हूँ, 2-3 बना देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, और नहीं पड़ेगी तो कोई टेंशन नहीं, बराबर। चलो तो पहली तो कॉलम में हमें पता चल गया है कि यहाँ टोटल 500 बनेगा, बना गया, और यहाँ पर लिख देंगे टोटल। चलो देखते जाना, तो टोटल हमारे पास 500 है, तो 500 में से 15% प्लेयर बैडमिंटन में है, तो बैडमिंटन ये पकड़ा, तो इसका 15% निकालेंगे, तो 500 का 15%, 15 × 5 75, तो 75 बैडमिंटन में गए, देखते जाना। 2/5 ऑफ द टोटल प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन हॉकी, क्या बोला है, टोटल का 2/5 हॉकी में जा रहे, तो टोटल 500 है, तो 500 का 2/5 कितना आएगा, 200, मेंटली निकाला जा सकता था, तो 200 लोग जाएंगे हॉकी में। ओके पढ़ो आगे। 6% ऑफ द टोटल प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन लॉन टेनिस, क्या बोला है, टोटल का 6%, तो 500 का 6%, 6 × 5 30, 30 कहाँ जाएंगे लॉन टेनिस में, तो यहाँ लिख देंगे 30। पढ़ो आगे। एंड 25% ऑफ द टोटल प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन एथलेटिक्स, चलो 500 का 25% कितना आएगा, चौथा भाग 125, तो 125 एथलेटिक्स में जाएंगे, तो बचे हुए कहाँ जाएंगे, रग्बी में जाएंगे। चलो तो इसका काउंटिंग कैसे करेंगे, तो फटाफट आप लोग ये 4 का टोटल कर दो, तो देखो ये 125 और 75 200, 200 और 200 400, 400 और 30 कितना, 430, तो 500 में से 430 गया, तो बचा हुआ 70 कौन होंगे, रग्बी के टोटल प्लेयर्स होंगे। सीधा सा हिसाब है, बोलो हाँ या ना। बहुत मुझे तो लग रहा है पहले वाले सेट से भी ये तो आसान है ना। चलो बढ़िया, चलते थोड़ा सा आगे। क्या बोला, द रिमेनिंग प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन रग्बी, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ो। 1/4 ऑफ द हॉकी प्लेयर्स आर फीमेल्स, देखो अब फीमेल की बारी आई, तो मुझे लग रहा है फीमेल आई है तो डेफिनेटली मेल भी आएगी, तो मेल फीमेल का एक दो अलग कॉलम बना देते, है ना? चलो देखते जाना। अब क्या बोला है कि जो भी हॉकी प्लेयर से उसका 1/4 फीमेल है, तो हॉकी कितने हैं, 200, तो 200 का 1/4 निकालेंगे, तो 50, तो 50 फीमेल में जाएगी, तो बचे हुए 150 कौन होंगे, हॉकी के मेल होंगे कि नहीं होंगे, सीधा हिसाब है। ओके चलो पढ़ो आगे। 20% ऑफ द बैडमिंटन प्लेयर्स आर मेल्स,
बैडमिंटन के जो भी प्लेयर है उसमें 20% मेल है, तो बैडमिंटन के प्लेयर देखो 75 है, तो 75 का 20% कितना आएगा, 15, क्योंकि 10% 7.5 आएगा, तो 20% आएगा 15, तो 15 कौन है, मेल है, ध्यान रखना, तो यहाँ मेल लिखेंगे, तो बची हुई जो 60 होगी वो फीमेल होगी, क्योंकि टोटल 75 तभी तो बनेगा। खत्म, आगे पढ़ो। हाफ ऑफ द प्लेयर्स हु पार्टिसिपेटेड इन लॉन टेनिस आर मेल्स। लॉन टेनिस में जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से आधे मेल है, यानी 30 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आधे मेल है, 15 तो आधी फीमेल हो जाएगी, 15 सीधा हिसाब है। पढ़ो आगे। देर आर 55 फीमेल एथलेटिक्स। अब देखो एथलेटिक्स में कितनी फीमेल है, 55 है, इधर देखो तो टोटल 125 है, उसमें से 55 तो फीमेल है, तो बचे हुए मेल कितने होंगे, तो 125 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस वैल्यू बिकम अ 70, सीधा हिसाब है। देखो फिर आगे पढ़ो क्या लिखा। नो फीमेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन रग्बी। रग्बी में कोई फीमेल है नहीं, तो रग्बी में फीमेल 0, तो ये कितने आ जाएंगे, 7। खत्म, खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस अब आप चाहो तो एक काम कर लो, करना हो तो किसी भी एक का टोटल कर दो, फीमेल का कर दो आसानी से, क्योंकि छोटी है, बराबर, तो फीमेल मिल जाएगी तो वहां से आपको टोटल मेल कितने वो भी पता चल जाएगा। देखो तो पहले 55 और 15 कितना, 70, 70 और 50 120, 120, 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180। अब ये 180 हो गया तो बाकी बचे हुए ये कितने हो जाएंगे, तो दिस वैल्यू बिकम अ 320। खत्म, सॉल्व, बहुत आराम से निकाल दिए। बोलो इज इट क्लियर, डन है, चलो वेरी गुड। तो यहां तक की बात लगभग सारे बच्चों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, बराबर। चलो तो लिख दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, हाँ सर मजा आ गया, एकदम क्लियर है, तो चलेंगे अगले, अब सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे बस, अब बाकी इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं मुझे लग रहा है, तब तक ये पहले वाले सेट से कई गुना आसान। देखो 5-7 मिनट भी नहीं लगेंगे, अगर पहली बार करोगे तो भी 5-7 मिनट लगेंगे मैक्सिमम डेटा को अरेंज करने में। चलो लिखो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, हाँ सर यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, तो फिर हम चलेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर। देखो क्वेश्चन तो बहुत आराम से निकालेंगे, बिंदास। हमारा मेन चैलेंजिंग पार्ट था डेटा को अरेंज करना, वो हो चुका है, बस बाकी तो फिर कोई टेंशन मुझे नहीं लग रहा आएगा। चलो ओके, बहुत बढ़िया, तो चालू करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, लीजिएगा बराबर समझना, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे बिंदास। द नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स, फीमेल प्लेयर की बात हो रही है, वो पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन। चलो तो बैडमिंटन की फीमेल, तो बैडमिंटन ये रहा और फीमेल कितनी है, 60, तो पहली वैल्यू आपको मिल गई 60। इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स बोले हैं वो पार्टिसिपेटेड इन रग्बी, तो रग्बी में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल प्लेयर, तो आई थिंक ये तो हमारे पास देखो 70 प्लेयर्स बोला है, तो नीचे बनेगा 70 × 100। खत्म, 0 0 कैंसल। अब 6/7 बच्चे आपको करना नहीं है, क्योंकि 1/7 आप जानते हो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 14.28% होता है ना, तो ये 6/7 क्या है, तो 1/7 से कम है, तो 100 में से 14% को लगभग माइनस कर लोगे तो करीबन करीबन 86% सीधा आंसर, 100 में से ये 14 को माइनस कर दो, क्योंकि 6/7 का मतलब ही तो होता है 1 − 1/7, 1 का मतलब 100%, 1/7 आपका लगभग 14% हो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें आंसर अप्रोक्सीमेटली तो निकालना है। खत्म, ऑप्शन बी। अब भी बोल रहा हूं परसेंटेज फ्रैक्शन के रिलेशन जितने अच्छे आएंगे उतना एडवांटेज कैलकुलेशन में मिलेगा, अदरवाइज फिर 600 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी एक चॉइस है, वो तो लास्ट तरीका है ही, मैं नहीं चाहता हूं आप ऐसा करें, है ना। चलो वेरी गुड, चलेंगे तो आगे नए क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट। चलो
चलो निकालो सारे बच्चे। चलो देखो क्या बोला है, डिफरेंस निकालना है, इसके बीच में बराबर समझना, मेल प्लेयर्स वो पार्टिसिपेटेड टू हॉकी, हॉकी में पार्टिसिपेट करने वाले मेल, बराबर तो ये हॉकी है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले मेल कितने हैं, ध्यान रखना 150, 150 पहली वैल्यू आपको मिल गई 150, बराबर। अब देखो मेरा थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि आगे पीछे मुझे जाना पड़ेगा, उसका लेना है डिफरेंस किसके साथ, फीमेल प्लेयर्स वो पार्टिसिपेटेड इन लॉन टेनिस, तो लॉन टेनिस में पार्टिसिपेट करने वाली फीमेल कितनी है, 15। ये तो बहुत आसान हो गया, डिफरेंस है तो 150 और 15 का डिफरेंस 135, खत्म। सो देखो भाई रीडिंग स्किल ये भी बहुत मैटर करेगी, आप बोलते हो ना सर स्पीड पे जाना है, तो स्पीड ही काम करने के लिए अच्छे लेवल की रीडिंग स्किल भी होनी चाहिए, क्वेश्चन को आधे घंटे तक पढ़ते रहेंगे वो भी नहीं चलेगा, है ना। चलो बढ़िया, तीसरा क्वेश्चन बराबर समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगभग लग रहा है। देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, इफ ड्यू टू सर्टेन रीजन, कोई रीजन की वजह से एथलेटिक्स वॉज ड्रॉप्ड, यानी पूरा गेम है वो कैंसिल हो गया, कौन सा, एथलेटिक्स ये था ना शुरुआत में, ये पूरा ड्रॉप हो गया, एंड ऑल द एथलेटिक्स लेफ्ट द टूर्नामेंट, और सारे एथलेटिक्स में जो भी थे ना वो सारे लोग क्या हुए, टूर्नामेंट को छोड़ के चले गए, देन व्हाट वॉज द परसेंटेज ऑफ मेल प्लेयर्स अमोंग द टोटल प्लेयर्स रिमेनिंग इन द टूर्नामेंट। तो आपको क्या पूछा है कि मेल प्लेयर जो बचे हैं उसका परसेंटेज निकालना है, इसके कंपैरिजन में, तो टोटल प्लेयर के कंपैरिजन में आपको निकालना है, यानी इन शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि बचे हुए जो मेल प्लेयर होंगे वो बचे हुए टोटल प्लेयर का कितना परसेंट है। तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे टूर्नामेंट में कितने मेल प्लेयर बचेंगे वो निकालना पड़ेगा, और कितने टोटल प्लेयर बचेंगे वो निकालना पड़ेगा। तो चलो इधर देखो हम बैक जा रहे हैं, एथलेटिक्स को पूरे को मुझे कैंसिल करना है, इधर देखो, तो उस पर पहले मैं खींच के लाइन बनाता हूँ, इसको कैंसिल करो। चलो ये कैंसल होने से देखो टोटल पहले 500 थे, अब वो 125 कम हो जाएंगे, यानी ये बन जाएंगे आपके 375, बोलो हाँ या ना। और मेल, तो मेल देखो पहले एथलेटिक्स में 70 थे, लेकिन ये 70 छोड़ के चले गए, तो ये 320 में से 70 चले जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 250। क्या आप मेरी बात समझे, क्या आप मेरी बात समझे, खत्म। ये 375 और ये 250, तो अब मुझे क्वेश्चन में यही तो बोला है, क्या बोला है, तो मुझे ये बोला है कि जो मेल प्लेयर है वो रिमेनिंग टोटल का कितना परसेंट है, तो मेल 250, रिमेनिंग टोटल कितना है 375 × 100, खत्म, ये मेरा आंसर। चलो अब देखो फटाफट अप्रोक्सीमेटली निकलेगा, लगभग 25 से काटो तो 10, और ये 25 से काटेंगे तो लगभग लगभग 15, है ना, और ये आपका बनेगा 2, 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 3, 2/3 हर बच्चा जानता है, 66.66%, और एग्जिट लिखना हो तो 66 सही 2/3, ये आपका आंसर बराबर दिया है, एग्जिट दिया है, देखो ऑप्शन बिल्कुल आराम से निकाल ली। ओके चलो वेरी गुड, मजा आ रहा है, देखो क्वेश्चन निकालना बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। ओके चलो चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, रेशियो निकालना है, बराबर समझना, इसका द टोटल नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन बैडमिंटन, तो क्या बोला है, मेल प्लेयर आपको लेने हैं किसके, बैडमिंटन वाले, उसका किसके साथ, हॉकी की फीमेल प्लेयर्स के साथ। चलो बैडमिंटन के मेल जाते हैं, यहाँ बैडमिंटन के मेल कितने हैं, 15, और हॉकी की फीमेल बोली है तो कितनी, 50, बात समझे।
मुझे क्या करना है, तो मुझे 15 और 50 का रेशियो निकालना, तो 5 से कटेगा तो 3 और 5 से कटेगा तो 10, 3:10 ऑप्शन बी, खत्म, सॉल्व। ओके चलो, वेरी गुड, सुपर। चलेंगे एक लास्ट क्वेश्चन और होगा लगभग ये सेट का, उसके बाद चलेंगे नए 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 सेट के ऊपर, 4-5 सेट आज करेंगे मिनिमम, है ना। चलो देखो क्या बोला है, कंडीशन लिखी है कि इफ देर इज एन इंक्रीज ऑफ 10% इन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी एंड बैडमिंटन। ध्यान रखना, हॉकी और बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करने वाली जो फीमेल है वो 10% से बढ़ रही है। कितने परसेंट से? 10% से बढ़ रही है। तो आपको बोला है क्या, टोटल नंबर ऑफ द फीमेल प्लेयर्स वो पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टोटल फीमेल आपको निकालनी है। तो आप लोग क्या करो भाई, जो ऑलरेडी है उतनी तो आएगी, और आपको क्या करना है, हॉकी और बैडमिंटन है ना, इन दोनों की फीमेल को 10-10% से बढ़ाना है। किसको? हॉकी और बैडमिंटन देखते जाना। तो हॉकी पकड़ लो ये और बैडमिंटन पकड़ लो ये, दोनों की फीमेल को 10-10% से बढ़ाना है। तो आपकी टोटल टूर्नामेंट की फीमेल कितनी हो जाएगी? तो देखो ऑलरेडी टूर्नामेंट की टोटल फीमेल 180 तो है ही है। अब ये हॉकी की फीमेल 10% बढ़ेगी तो 50 का 10% 5 बढ़ेगी, और बैडमिंटन की फीमेल 10% बढ़ेगी तो 60 का 10% 6। तो टोटल फीमेल टूर्नामेंट में कितनी हो जाएगी? 191 हो जाएगी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन निकालो, ऑप्शन ई एग्जिट दिया है देखो। चलो बताइए, इज इट क्लियर और नॉट, और लिखो सारे बच्चे फटाक कमेंट बॉक्स में, सर मजा आ गया, पूरा सेट बिल्कुल क्लियर है, बातें सब समझ में आ गई है, तो चलते हैं नए सेट के ऊपर, चलो जल्दी फटाफट। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को बात समझ में आ गई है ना, मजा आ गया, सुपर। चलो तो चलते हैं एक नए सेट के ऊपर। सारे बच्चे पहले अच्छे लेवल से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, डेटा को पढ़ो, सोचो, समझो और डिसाइड करो कि अरेंज कैसे करेंगे, फिर शुरुआत करते हैं। चलो जल्दी फटाफट।
चलो वेरी गुड, सुपर। लगभग थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया आप लोगों को, और पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया तो आ ही गया है कि डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, है ना। जैसे देखो ना, ये पांच अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम दिखे ना, तो वहीं से मुझे लगभग आइडिया तो आ ही चुका है कि अगेन लगभग हम लोग टेबल के फॉर्म में ही डेटा को अरेंज करने की ट्राई करेंगे, है ना। चलो तो अब क्या करो, रख दो सारे बच्चे पेन और करते हैं हम लोग शुभ शुरुआत। चलो पेन रख दो, कंप्लीट अटेंशन। इन अ कंपनी, कोई एक कंपनी में टोटल 2700 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और इन फाइव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नाम है D1, D2, D3, D4 एंड D5। ओके, टोटल 2700 एम्प्लॉय। ओके, यहाँ लिख दिया टोटल 2700 एम्प्लॉय। आगे बढ़ो, पांच डिपार्टमेंट। अब मेल और फीमेल कंपनी में कौन से रेशियो में, पांच और चार के रेशियो में। अरे वाह, देखो भाई, मेल और फीमेल का रेशियो मिल गया है 5:4। तो पहला काम क्या करो, आगे मत पढ़ो, मेल और फीमेल की वैल्यू मिलेगी कैसे। रेशियो का टोटल 9 पार्ट, करो 9 से डिवाइड। एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 300, तो पांच पार्ट की वैल्यू 1500, और चार पार्ट की वैल्यू कितनी, 1200। तो यहां से मुझे ये पता चल गया है कि कंपनी में टोटल 1500 मेल और कंपनी में टोटल 1200 फीमेल काम कर रही है। ये बात क्लियर। ओके चलो थोड़ा सा अब और आगे चलते। 26% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज वर्क इन अ डिपार्टमेंट D1। चलो अब देखो, डेटा को अरेंज करने की बारी आ चुकी है, तो पहला काम क्या करूँ, एक टेबल जैसा बना दूँ। देखो यही करेंगे, मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। डिपार्टमेंट का नाम लिख दो, D1, D2, D3, D4 और D5, और यहाँ लिख दो टोटल, है ना। और मेल फीमेल को देख के तो मुझे लग रहा है कि अगेन क्या करेंगे, दो से तीन कॉलम ही बना देंगे, वही आपके लिए बेस्ट होगा। पहली कॉलम बना देते काम करते मेल की, दूसरी बना देते फीमेल की, और तीसरी बना देते हैं टोटल की, है ना। देखते जाना बहुत आराम से। ये ले लेते हैं मेल का, ये ले लेते हैं फीमेल का, और ये ले लेते हैं टोटल का। ओके, और यहाँ देखो, हमारे पास टोटल मेल 1500 पड़े हैं, तो लिख दू, टोटल फीमेल 1200 है, तो यहाँ लिख देते 1200, और ये लिख देते टोटल 2700। चलो अब देखना, डेटा को अरेंज करने की ट्राई करते और लिखते जाएंगे जो जो दिया है। चलो अब देखो क्या बोला है, 26% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज वर्क इन अ डिपार्टमेंट D1। तो D1 में कितनी फीमेल काम कर रही है, तो 1200 है ना, उसका 26%। तो इधर देखना, 26% कैसे निकालूंगा, तो मैं समझता हूँ तब तक बेस्ट है क्या। देखो इसका 25% निकालेंगे तो बहुत आराम से निकाल देंगे, कितना, 300, और 1% आएगा कितना, 12, तो 312, कितना आराम से निकाला। देखो तो D1 की फीमेल आपको मिल जाएगी कितनी, 312। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, 26% क्लासिक तरीके से मैंने निकाला है, 25% प्लस 1% ऐसे निकाला, 25% का मतलब चौथा भाग, और 1% यू नो वेरी वेल 1200 का, तो 1200 का चौथा भाग 300, और 1% 1200 का कितना होगा, 12, तो 300 और 12, 312, खत्म, मजा आ गया। देखो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, स्पीड कब बढ़ेगी भाई, जब इस टाइप के परसेंटेज मल्टीप्लीकेशन आप हो सके उतना मेंटली करोगे और स्मार्ट तरीके से करोगे। ओके चलो अब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं, देखो क्या लिखा है नेक्स्ट में। 14% ऑफ द मेल एम्प्लॉइज वर्क इन अ डिपार्टमेंट D2। चलो D2 के मेल बोले कितने, 14%, तो 1500 का 14% निकालेंगे कैसे, तो परसेंटेज 2 0 खा जाएगा, तो 15 14 सबको पता होना चाहिए, 210 होता है, पता ही होगा, 210 लिख दो। पढ़ो आगे, द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट D1 इज 138। चलो डिपार्टमेंट D1 की बात हो रही है, मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 138 दिया है। और देखो ब्रैकेट में और कुछ लिखा है कि D1 के अंदर हैज अ मोर मेल एम्प्लॉइज देन फीमेल एम्प्लॉइज, यानी मेल है वो फीमेल से ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, तो कंपलसरी ये लिखना पड़ेगा, रीजन क्या है, डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस से हमें थोड़ी पता चलेगा कि मेल ज्यादा या फीमेल ज्यादा। मेल भी ज्यादा हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने क्लियर बोल दिया है कि मेल है वो फीमेल से ज्यादा है, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा कि मेल माइनस फीमेल बराबर 138, अदरवाइज फीमेल माइनस मेल बराबर भी 138 हो सकता था। तो
हमें हमें ऐसा हमें बोला है कि भाई दो लोगों का एज का डिफरेंस 12 साल है, तो हम इससे क्या समझेंगे? ऐसा थोड़ी बोलेंगे यही 12 बड़ा होगा, दो में से कोई भी एक 12 बड़ा हो सकता है, यही रीजन है ना। चलो तो अब एक काम करो, आगे क्यों पढ़े, देखो आपके पास D1 की फीमेल पड़ी है 312, तो अगर मैं यहाँ 312 रखता हूँ तो ये 312 सामने जाएगा तो ऐड होगा, तो ऐड करेंगे तो आई थिंक ये बन जाएगा 450। तो फायदा क्या हुआ, T1 के मेल आपको मिल चुके, देखो 450 बिंदास, मजा आ गया, खत्म, यहाँ तक की बात क्लियर है, देखो ये ब्रैकेट तक सब कुछ सही चल रहा। आगे पढ़ते हैं, अब रेशियो दिया है किसका, मेल फीमेल का डिपार्टमेंट D2 का 7 और 6। अरे वाह, 7 और 6 का रेशियो है मेल और फीमेल का डिपार्टमेंट D2 का। तो अब आप लोग देखो टेबल में क्या आपके पास D2 में कोई वैल्यू है, यस, तो देखो D2 के मेल पड़े हैं 210, तो रेशियो में मैं बोल सकता हूँ ये 7 पार्ट की वैल्यू 210 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 30 होगी, तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 180, तो यहाँ लिख देंगे 180, मजा आ गया, खत्म। देखो धीरे धीरे डिपार्टमेंट भरे जा रहे हैं और बस यही काम आपको करते जाना। पढ़ो आगे, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बोला है वर्किंग इन डिपार्टमेंट D3, D3 में काम करने वाले टोटल 210, तो 210 यहाँ लिखेंगे, इन विच द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय है वो 75% है किसका, मेल का। चलो तो फीमेल है वो 75%, 75% का मतलब होता है 3/5 ऑफ मेल, तो यहां से देखो मुझे मेल और फीमेल का रेशियो मिलेगा कितना, 3:4 मिलेगा, किसका मिला पता चला, ये डिपार्टमेंट D3 की बात हो रही है। तो एक काम करो आगे क्यों पढ़ो, देखो D3 का आपके पास टोटल 210 है, रेशियो में टोटल 7 पार्ट है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी बनेगी 30 बनेगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू 90 बनेगी और 4 पार्ट की वैल्यू 120 बनेगी, तो फायदा क्या हुआ, डिपार्टमेंट D3 के मेल और फीमेल दोनों मिल गए, लेकिन ध्यान रखना पहले मेल मिली फीमेल मिली है, तो फीमेल को फीमेल में लिखेंगे 90 और मेल को मेल में लिखेंगे 120। बोलो यहां तक की बात सबको क्लियर है, तो पहले तो एक बार लिखो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, हाँ सर यहां तक की बात क्लियर है, तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, चलो जल्दी फटाफट, कम ऑन। चलो वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है ना, सब कुछ बराबर जा रहा है, चलो वेरी गुड, चलते आगे, बस धीरे धीरे ऐसे चलते जाना है बिंदास, बिना 1% भी टेंशन नहीं, अपने लेक्चर में तो लेना ही नहीं है। द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन डिपार्टमेंट D4, देखना D4 में काम करने वाली फीमेल की बात हो रही है, वो इक्वल टू है किसके, टोटल नंबर ऑफ द मेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट D2, तो D2 के मेल बराबर है, तो D2 के मेल तो भाई 210 है, तो यहाँ भी 210 बनेगी, देखते जाना, पॉइंट एकदम क्लियर है, पढ़ो आगे, एंड द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट D4, और D4 के अंदर जो मेल काम कर रहे हैं वो कितने हैं, 3 मोर है, किससे, द फीमेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट D1, तो D1 में फीमेल काम कितनी कर रही है, 312 है ना, तो इससे कितने, 3 मोर, 3 ज्यादा, तो 315, अरे वाह, बस खत्म। फिर पढ़ो आगे, द रिमेनिंग मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज वर्क इन डिपार्टमेंट D5, तो D5 के देखो मेल फीमेल आपको ढूंढने हैं, क्या हम ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल आराम से ढूंढ लेंगे, कहाँ से, तो आपके पास देखो मेल का टोटल है 4 डिपार्टमेंट के मेल है, तो टोटल में से 4 के टोटल को माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो D5 के मेल होंगे, चलो मेंटली कर लेंगे, देखो 400 और 200, 600, 600 और 1, 700, 700 और 300 कितना, 1000, अब 1050, 1060, 1070, 80 और 1095, तो ये 1095 यहाँ गया, तो बचेगा कितना, तो बचेगा 405, खत्म, लिखो 405, गलती बिल्कुल मत करना, छोटी सी भी गलती करोगे तो गए, सेम कहानी फटाफट किसकी है, फीमेल की, चलो टोटल करो 210 और 90, 300, 300, 300, 600, 600 और 180, 780, 780 में 12 ऐड करो 792, तो इसमें से 792 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस किया ये माइनस किया फटाक, तो 800 करेंगे तो 400 और बचा हुआ 8, यानी दिस वुड बिकम अ 408, खत्म, बस बैठ गया डेटा।
देखो यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बस अब क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आराम से निपटाने वाले, बिल्कुल आराम से निपटाओगे। चलो तो पहले तो एक काम करो, लिखो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, पूरा डेटा हमें समझ में आ गया। एक चीज आपने देखी है ना, ऑब्जर्वेशन आप कर रहे होंगे ना, तो इतना तो पता चल रहा है, अगर आपके पास कैलकुलेशन का अच्छा स्पीड आ जाता है और दूसरा रीडिंग स्किल आ जाता है ना, तो आप किंग बन जाओगे, जो चाहे वो निकाल पाओगे। लेकिन बहुत पेशेंसली काम करना, जल्दबाजी में एक भी डेटा कहीं गलत नहीं निकले। यू नो वेरी वेल, एक 405 का 404 भी हो गया ना, तो लगभग सारे डेटा गलत आ जाएंगे, तो उसका हमें खास ध्यान रखना है ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। तो लगभग सारे बच्चे को हर एक बात यहाँ तक समझ में आ गई है, तो लेट्स मूव फर्दर, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं और उड़ाते हैं हमारे सेट का पहला क्वेश्चन। ओके चलो लीजिएगा, ये रहा। क्वेश्चन तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही उड़ाते जाओगे, और क्वेश्चन का तो कोई लेवल भी नहीं होगा अगर आप ये सब चीजें पढ़ लिए हो तो। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट D5, इसकी बात हो रही है, डिपार्टमेंट D5 में कितनी फीमेल काम कर रही है, अब भी निकाला लास्ट में 408, चेक करो रे भाई 408 है। अरे वाह, कितना आनंद होता है, देखो अंदर वाले मन को कितना सुकून मिलता है कि अरे वाह, इतना बिठाने के बाद एग्जैक्ट आंसर मैच कर दिया, यानी समझ लो आपने कंफर्म बिल्कुल सही डेटा बिठाया। ओके चलो नेक्स्ट, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा मैथ से भाई, ये कोई लैंग्वेज थोड़ी है, लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट है वहां कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए। दूसरा, मेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट D4, D4 के मेल ये रहे, कहाँ गए 315, उसके लिए क्या बोला है देखो, तो 315 है वो, इज अ व्हाट परसेंट ऑफ, किसके साथ, द टोटल नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन द कंपनी, कंपनी में काम करने वाले मेल, तो वो लगभग हमने अभी निकाले थे 1500, नीचे आएगा 1500 इंटू 100, 2020 कटेगा, 15 × 2 = 30, 15 × 1 = 15, 21%। अरे वाह, क्लासिक ऑप्शन सी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट D2, क्या बोला है, D2 की फीमेल है वो कितना परसेंट है, किसके, टोटल नंबर ऑफ द मेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट D1, यानी D2 की फीमेल और D1 के मेल चाहिए। चलो तो D2 की फीमेल तो हमारे पास 180 है और D1 के मेल कितने हैं, 450, तो आंसर कैसे निकालेंगे, ऊपर 180 नीचे 450, खत्म, इंटू 100, 0 0 कटेगा, 9 से काटेंगे 2, 9 से काटेंगे 5 एंड 2/5, यू ऑल नो वेरी वेल इतना। चालीस परसेंट, ओके 40% इज द राइट आंसर, खत्म। चले आगे नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट D3 इज अ व्हाट परसेंट ऑफ द मेल्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, D3 की फीमेल है
वो मेल का कितना परसेंट है, बहुत आराम से। चलो तो मैं क्या करूंगा, देखते जाना। D3 की फीमेल को पकड़ते हैं, देखो D3 की फीमेल कितनी है, 90, और उसके मेल कितने हैं, 120 है। तो 90 120 का कितना परसेंट है, वही तो पूछा है ना। ऊपर 90, नीचे 120 इंटू 100। अरे वाह, कितना, 3 30 से जाएगा 4, एंड 3/4 यू ऑल नो वेरी वेल कितना, 75%। खत्म, 75%, बिल्कुल आराम से निकाल दिया। ओके चलो, तो लगभग ये सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर चलेंगे अगेन एक नए सेट के ऊपर। रेशियो निकालना है बिल्कुल आराम से, बिना टेंशन लिए। इसका मेल वर्किंग इन डिपार्टमेंट D5 और मेल वर्किंग इन डिपार्टमेंट D1, D5 और D1 के मेल, चलो D5 और D1 के मेल, तो ये 405 और ये 450, यानी किसका रेशियो पता चल गया ना, ऊपर 405 नीचे 450। बस काट कूट करो, कुछ भी पता नहीं चले तो मुझे तो लग रहा है, देखो भाई सीधा, वैसे तो 45 दिख रहा है, लेकिन मान लो 45 नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से काटो 81, 5 से काट लो 90 बराबर, अब 9 से काट लो 9 और 9 से काट लो 10, बिंदास 9:10। ऑप्शन सी, वैसे अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करते होंगे ना तो 45 × 9 450 होता। मैंने डायरेक्ट नहीं काटा है, लेकिन फिर वापिस आप बोलोगे सर आप तो ये सब कैसे पता है। देखो उसके लिए एक लेवल बनेगा ना आगे जाके, जब आप उस लेवल पे प्रैक्टिस करोगे ना तो 405 450 को देख के पता चल जाएगा, फिर ये सर 45 × 9 सीधा कट रहा है। बट कोई बात नहीं, हमने 5-5 से काटा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। ओके चलो, तो लिखो सारे बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में कैसा रहा सेट, कितना समझ में आया। तो फिर चलते हैं अगेन एक नए सेट के ऊपर, चलो फटाफट जल्दी। चलो वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट बच्चे को बात समझ में आ गई है ना पूरा सर। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, चैलेंजिंग पार्ट है डेटा को बिठा, बाकी आराम से। ओके चलो चलेंगे तो एक नए सेट के ऊपर। तो पहले आपसे ट्राई करवाता हूँ, उठाइए पेन, और 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सारे बच्चे एक बार आप लोग देखो, बिठाओ। अब धीरे धीरे अब आप लोगों को देखो ट्राई करना शुरू करना पड़ेगा, कि मैंने बैक टू बैक 3 सेट आपको करवा दिए, अब ये चौथा सेट बना है। तो मैं चाहता हूं कि पहले 2-3 मिनट लेके आप लोग बिठाओ, जितना बिठता है उतना, फिर बाकी तो हम सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लो।
एकदम पेशेंसली बिठाओगे है ना, बैठ ही जाएगा। पहले तो दो तीन लाइन आप डेटा की पढ़ोगे, वहां से डिसाइड कर लेना डेटा को कैसे अरेंज करना है। और अभी तक मैंने तीन सेट करवाया, तीनों तीन सेट में हमने टेबल ही बनाया है ना। वो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बैठता जाएगा। जैसे जैसे हम सेट को सॉल्व करेंगे ना, काफी सारे सेट की प्रैक्टिस करेंगे ना, अपने आप क्लियर पता चलता जाए। जैसे टेबल बना दूं, वेन डायग्राम बना दूं, या कुछ भी नहीं करूं। चलो ओके, लगभग लगभग बिठा दिया होगा आप लोगों ने। चलो अब लगभग जिसने भी बिठाया बहुत बढ़िया है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। तो बेटर है कि मैं डायरेक्टली अब मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। डेटा को एक बार अरेंज कर रहे, सारे बच्चे पेन रख बिल्कुल आराम से अरेंज करेंगे, देखते जाओ। क्या बोला है, थ्री शॉप्स, तीन दुकानें, उनका नाम है, एक का माई मोबाइल, एक का भाटिया और एक का फोन मर्चेंट। ऐसे तीन शॉप का नाम है। और वो लोग क्या करते हैं, सोल्ड यानी बेचेंगे अ टोटल नंबर ऑफ 3000 फोन्स। टोटल 3000 फोन बेच रहे हैं, जिसमें कौन कौन है, एप्पल और सैमसंग, दो वेराइटी है, टुगेदर इन अ मंथ। कोई एक मंथ में एप्पल और सैमसंग के टोटल 3000 फोन ये लोग बेच रहे हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ द सैमसंग फोन्स सोल्ड बाय अ शॉप माई मोबाइल इज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फोन्स सोल्ड बाय ऑल द थ्री शॉप्स टुगेदर। ओके, यानी क्या बोला है, तो सैमसंग के फोन कौन बेचेगा माई मोबाइल, वो कितना होगा, तो तीनों शॉप ने मिला के जो टोटल फोन बेचे हैं ना, उसका 10%। तो हमें पता है कि टोटल फोन इन तीनों तीन ने मिला के 3000 बेचे हैं, तो इसका 10% यानी 300 आएगा। तो अब आप बोलोगे सर डेटा को कैसे अरेंज करूंगा, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले देखो पहली कॉलम में मोबाइल के शॉप के नाम लिख देते हैं, एक माई मोबाइल MM, फिर बाटिया का बी लिख दूं, और तीसरा कौन है, फोन मर्चेंट का PM लिख देता हूं, और या लिख देता हूं टोटल। आई थिंक यही बेस्ट होगा बराबर। अब देखो कॉलम कितनी बनाएंगे, तो कॉलम मुझे लग रहा है तब तक तीन बना दो। क्यों तीन, क्योंकि पहली वाली होगी वो हमारे सैमसंग के फोन के लिए बना देते हैं, दूसरी वाली है वो किसके लिए बना देते, एप्पल वाले के लिए बना देते, और तीसरी वाली है वो टोटल के लिए बना देते। मैं समझ रहा हूँ तब तक यही आप कर लो है ना। और टोटल फोन तो हमारे पास देखो 3000 पड़े हैं, तो 3000 तो पहले यहाँ चिपका दो। अब चालू करो देखना डेटा को बिठा, स्टार्ट करते हैं। पहला किसके बारी, सैमसंग के फोन बोले हैं, किसके माई मोबाइल, तो माई मोबाइल का सैमसंग, ये पहला वाला, तो ये 10% है 3000 का, तो कितना आएगा 300। पहला काम यहाँ लिख दो 300, बहुत आराम से पढ़ो आगे। टोटल नंबर ऑफ द फोन्स सोल्ड बाय अ शॉप बाटिया, देखना टोटल नंबर ऑफ द फोन्स सोल्ड बाय अ शॉप बाटिया कितना है, 850 है। तो बाटिया के टोटल 850 है, ध्यान रखना, तो 850 को यहाँ लिखना पड़ेगा, विच इज 410 मोर देन द नंबर ऑफ एप्पल्स फोन सोल्ड बाय द शॉप माई मोबाइल। यानी बाटिया कितने फोन बेच रही है, 850 फोन बेच रही है, तो वो कितना है, तो विच इज 410 मोर है, 410 ज्यादा है, यानी 410 प्लस किसका, द एप्पल फोन सोल्ड बाई माई मोबाइल। तो वो माई मोबाइल के एप्पल के चार, एप्पल से 410 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाटिया ने जो 850 फोन बेचे हैं ना, वो कितने हैं, वो माई मोबाइल ने जो एप्पल के फोन बेचे हैं उससे 410 ज्यादा है। तो उल्टा मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि माई मोबाइल के एप्पल के जो फोन होंगे वो बाटिया के टोटल से 410 कम होंगे। तो बाटिया का टोटल अगर 850 है, तो इसमें से ये 410 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो
मुझे माई मोबाइल के एप्पल के फोन मिलेंगे कितने? तो आप बोलोगे सर 440 मिलेंगे। हाँ या ना? माई मोबाइल एप्पल 440, वन ऑफ द क्लासिक पॉइंट। ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए आप लोगों को। बोलो, बस स्टेटमेंट को समझो अच्छे लेवल पे, आराम से बिठाए। अब एक काम करो, आगे क्यों पढ़ू? देखो, मैंने यहां तक बिठाया, और यहां तक बिठाने के बाद जैसे टेबल को देखा तो यहां से देखो मुझे ये वैल्यू मिल रही थी 740, तो मैंने ये ढूंढ ली, और टोटल 3000 है। इन दोनों का टोटल आपके पास देखो 1590 बन रहा है, तो बचे हुए कितने? 1410 होंगे। वो कौन होंगे? वो फोन मर्चेंट के टोटल फोन होंगे। मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। देखो, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आगे क्या बोला? नंबर ऑफ सैमसंग फोन सोल्ड बाय शॉप भाटिया, भाटिया के सैमसंग की बात हो रही है ये वाला, वो 150%। 150% का मतलब होता है 3/2। किसका? द टोटल नंबर ऑफ द एप्पल फोन सोल्ड बाय अ शॉप माई मोबाइल, तो माई मोबाइल के एप्पल का, तो माई मोबाइल के एप्पल देखो आपके पास 440 है, तो 440 का 150%, तो 2 से काटेंगे तो 220, और 220 इंटू 3 कितना? 660। तो ये वैल्यू बनेगी 660। अब देखो ये टोटल 850 है, 850 में से 660 यहाँ चला गया, तो बचेगा 200, 200 में 10 कम यानी 190 यहाँ। सीधा हिसाब है, बोलो हाँ या ना? यहां तक की बात भी क्लियर हो गई? चलते थोड़ा सा और आगे। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? द टोटल नंबर ऑफ द एप्पल फोन सोल्ड बाय अ शॉप फोन मर्चेंट, फोन मर्चेंट के एप्पल की बात हो रही, फोन मर्चेंट के एप्पल फोन, वो कितने हैं? 130% है। 130% का मतलब होता है 13/10। किसका? द एप्पल फोन सोल्ड बाय द शॉप भाटिया, तो भाटिया के एप्पल का, तो भाटिया का एप्पल कितना है? 190 है, तो 190 का 130%, तो 0-0 कटेगा, तो 19 × 13, तो 19 × 13 कितना आएगा? तो मेंटली करो, 19 × 10 190, और 19 × 3 57, तो 190 में 57 ऐड करेंगे तो दिस वुड बिकम अ 247। बिल्कुल आराम से निकाला, क्या आप मेरी बात समझे? अब टोटल 1410 है, उसमें से 247 यहाँ चला गया, तो बाकी कितने बचेंगे? तो 0 में से 7 जाएगा, -3, सॉरी -7 का लिखेंगे 3, और ये बनेगा 140, और 140 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 116। 24 जाएगा तो 116, खत्म। सॉ 1163 बराबर, बस बैठ गया डेटा। अब चाहो तो इनका टोटल करना हो तो कर लो, और नहीं करना हो तो जाने दो, और करना हो तो लो कर लो, फिर ही आगे बढ़ते हैं, है ना? देखो ये कितना बनेगा? पीछे 3 का 3, 6 6 कितना? 12 का 2, कैरी बनेगा 1, 12 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। ये 2123, जरूरत नहीं थी बट कर दिया, तो बचे हुए कितने? 3000 में से 21 हो गए, तो ये बचा हुआ कितना? 877। चेक कर लो, ये 7 होगा, 8 का 7, कैरी 1, 6 7 8, आराम से बोलो। चलो पहले लिखो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, हाँ सर यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, हमें सब समझ में आ गया है, तो फिर मैं चलूंगा क्वेश्चन की ओर। चलो जल्दी फटाफट, चलो वेरी गुड वेरी गुड, सुपर, सबको बात समझ में आ गई है ना? चलो तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो क्या बोला। टोटल नंबर ऑफ द सैमसंग फोन सोल्ड बाय अ फोन मर्चेंट, फोन मर्चेंट का सैमसंग के फोन चाहिए, फोन मर्चेंट को पकड़ा और सैमसंग चाहिए, 1163 भाई। चेक करो चेक करो, दिया है नहीं दिया है? पहला ही आंसर नहीं दिया, अरे हाँ दिया है ना, हाँ नहीं दिया, ऑप्शन डी, माफ करना है। ओके खत्म। देखो जैसे निकला वैसे थोड़ा तो बंदर वाले मन को बहुत शांति मिल गई कि लगभग लगभग सही सेट है हमारा। चलो चलते हैं अगले नए क्वेश्चन पे। क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ द एप्पल फोन सोल्ड बाय ऑल द थ्री शॉप्स टुगेदर, तीनों तीन के एप्पल का टोटल,
एप्पल का ये रहा, तीनों तीन का टोटल। अरे वाह, देखो हमने लास्ट में निकाला, काम लग गया, 877 दिया है। चेक करो ऑप्शन में, एग्जिट दिया है अगेन 877। बोलो क्लियर, डन है। देखो मजा मजा आ रहा है। मेन चीज है, अगर टेबल बनाने में आपने मजे ले लिए, अच्छे लेवल पे बिठा दिया, तो क्वेश्चन तो आप फटाक विद इन अ 2 मिनट्स, विद इन अ 2 मिनट्स आप 5 क्वेश्चन को निपटा लोगे, मेरी श्योरिटी है। नेक्स्ट, रेशियो किसका? एप्पल फोन सोल्ड बाई माई मोबाइल, माई मोबाइल के एप्पल, उसका रेशियो लेना है किसके साथ? सैमसंग वाले किसके? बाटिया के। चलो माई मोबाइल एप्पल और सैमसंग बाटिया, माई मोबाइल एप्पल 440 और सैमसंग बाटिया यानी 660, तो 440 और 660 का रेशियो, कितना मजा आ गया, क्लासिक रेशियो निकल रहेगा। 0-0, 22 से काटेंगे 2, 22 से काटेंगे 3, 2:3 दिया है, ध्यान रखना 3:2 दिया है, बिल्कुल भी नहीं है, none of this, 3:2 मत लिख देना, क्योंकि यू नो वेरी वेल रेशियो में ऑर्डर बहुत बहुत मैटर करेगा, है ना? हाँ, सो बी केयरफुल। ओके चलो, तो चलेंगे अगले नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही उड़ाते जा रहे हो, बहुत आराम से, बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ द फोन्स किसके बोले? बोथ एप्पल एंड सैमसंग, ध्यान रखना एप्पल एंड सैमसंग दोनों की बात हो रही है। सोल्ड बाय अ शॉप फोन मर्चेंट, चलो तो फोन मर्चेंट का टोटल निकालेंगे ना भाई, तो फोन मर्चेंट के टोटल कितने हैं? 1410। ओके, तो पहला वैल्यू आपको मिला है 1410। इज अ व्हाट परसेंट, तो नीचे कौन आएगा? सैमसंग फोन सोल्ड बाय अ शॉप माई मोबाइल, तो नीचे बनेगा माई मोबाइल के सैमसंग। चलो माई मोबाइल ये रहा, उसका सैमसंग कहाँ आएगा? 300, ध्यान रखना नीचे बनेगा 300। ओके चलो, ये बनेगा 300 इनटू कितना? 100, 2-2-0 कटेगा, 3 से कटेगा, अरे वाह, डायरेक्टली 47 × 3 141 और पीछे 0, यानी 470% है, एग्जैक्ट है। देखो ऑप्शन सी बिल्कुल आराम से बिठाया। चलते थोड़ा सा और आगे, लगभग एक लास्ट क्वेश्चन होगा सेट का, क्योंकि तो 4 हो गए ना, ये पांचवा क्वेश्चन आया। देखो क्या बोला, नंबर ऑफ सैमसंग फोन सोल्ड बाय अ शॉप बाटिया, बाटिया के सैमसंग वाले निकालो, बाटिया ये रहा, सैमसंग वाले कितने? 660। चलो पहली वैल्यू मुझे मिल चुकी है, कितनी? 660, देखते जाना। इज अ व्हाट परसेंट मोर किसके साथ? सैमसंग फोन्स सोल्ड बाय अ माई मोबाइल, तो माई मोबाइल के सैमसंग चाहिए। चलो तो माई मोबाइल का सैमसंग निकालेंगे, कितना आया? 300। बराबर, तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, 660 है वो, 300 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो परसेंटेज मोर निकालना है। तो मैंने अभी क्या सिखाया, बेस्ट क्या होगा, आप रेशियो ले लो। देखो 0-0 कट जाएगा, 6 से काट लो 5, कैसे काट लो 11, तो परसेंटेज क्या निकालना है मोर, तो कैसे निकालेंगे? ऊपर दोनों का डिफरेंस, तो ऊपर दोनों का डिफरेंस 6, नीचे छोटा वैल्यू 5 × 100, खत्म। तो 6/5 कितना होगा? तो 6/5 का मतलब होता है सीधा 120%, खत्म। और नहीं आ रहा है तो 5 से काटो 20, और 20 × 6 120, और फ्रैक्शन जानते होंगे, सीधा 120% ध्यान रखना। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है, पता चला एक 220% भी है, बी केयरफुल। अगर मोर वर्ड नहीं होता तो मेरा आंसर 220% आता है ना, लेकिन मोर वर्ड आने से 100% सीधा कम होके 120%, बी केयरफुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन मजबूर कर रहा है, गलती नहीं करो। ओके डन, चलो वेरी गुड। तो लिखो फटाफट सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, ये हमारा आज का चौथा सेट खत्म। धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, मैंने बोला है
कम से कम मैं टॉपिक पे 3 से 4 सेशन लूंगा, तब जाके आप अच्छे दे, यानी मैं अच्छे अच्छे वैसे 20-25 पूरे सेट पूरे सॉल्व करवाऊंगा, और फिर वहां से आपका आराम से कॉन्फिडेंस बन जाए कि हम सर अब डेटा कैलकुलेट को भी सॉल्व कर पाएंगे, गारंटी आराम से। चलो वेरी गुड, लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, मजा आ गया, ऑलमोस्ट लोगों को बात समझ में आ गई है ना। चलो तो चलते हैं अगले नए सेट के ऊपर, एक नए क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट। चलो अगेन आपको क्या कर रहा हूँ, 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार सारे बच्चे पढ़ो और ट्राई करो अच्छे लेवल पे डेटा को अरेंज करो। लास्ट सेट और ले रहे हैं आज के लिए है ना, ज्यादा नहीं ले रहे, पहला दिन है तो 5 सेट लिए, बहुत हो जाएंगे अच्छे अच्छे और अभी लगभग 10 से 15 सेट में मिनिमम और करवाने वाला हूँ, बराबर। हाँ मिनिमम आने वाले 2-3 लेक्चर में। चलो
बिल्कुल आराम से, थोड़ा अलग सेट, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट। अभी तक हमने जो भी सेट दिखा ना, इस स्लाइट अलग। ये सब जगह परसेंटेज ही परसेंटेज नजर आएंगे। लिंक बिठाना अगर आप समझ जाओगे तो सेट आराम से बैठ जाएगा। लिंक बिठाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलो अब एक काम करो, जितना भी हुआ उतना पेन रख दो। पूरा सेट में अच्छे लेवल पे समझा रहा हूँ। डेटा को तो हम बिठा देंगे, लेकिन ये सेट का सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है ना, वो क्वेश्चंस है। बराबर, इसलिए स्पेशली मैंने सेट को लिया है। चलो पेन रख दो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन। सेट बिठाने से बेस्ट पार्ट है क्वेश्चन। चलो तो पहले तो बिठाते हैं डेटा को, शुरू करते हैं। पेन रख दो सारे बच्चे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर 1700 एम्प्लॉइज, टोटल 1700 एम्प्लॉई। कितने डिपार्टमेंट? पांच, HR, फिनांस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो लगभग लग रहा है कि मैं बेस्ट होगा, टेबल तो बना ही डालू। चलो ना, HR के लिए। दूसरा कौन है अपना? फिनांस के लिए। तीसरा कौन है? मार्केटिंग है। चलो मार्केटिंग के लिए। चौथा एडमिन के लिए ले लेते, एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवा किसका ले लेते? मैन्युफैक्चरिंग का ले लेते। और लास्ट में बना देते टोटल। ओके, और एम्प्लॉइज की बात हो रही है तो लगभग मेल फीमेल भी होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो दो तीन कॉलम अभी बना के रख दो, जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां वैल्यू रखते जाएंगे, बाकी को छोड़ देना, है ना। हाँ, कि हमें तो पता है नहीं अभी तो। चलो पढ़ो क्या लिखा। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, देखो फीमेल आ गया तो यहां से पता चल गया, पहली कॉलम को मेल, दूसरी को बना देते हैं फीमेल, और लास्ट में बना देते हैं टोटल। और टोटल तो टोटल हमारे पास ये 1700। ओके, चलो यहां तक की बात सबको क्लियर हो चुकी। अब शुरू करते हैं पहला पैराग्राफ। क्या बोला है? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल, जितने भी टोटल फीमेल एम्प्लॉय है, उसमें से 34% HR डिपार्टमेंट में काम करती है। चलो HR डिपार्टमेंट में 34%। अब 34% यहाँ लिख दिया, अभी तो लिखा है। फिर 20% मार्केटिंग में, ये 20% मार्केटिंग में देखना, फीमेल की बात हो रही है। 18% फिनांस में, यहाँ लिख दिया 18% फिनांस में। फिर आगे पढ़ो, एंड रिमेनिंग 224 फीमेल है वो एडमिन में। देखते जाना एडमिन में कितनी आएगी, 224 फीमेल आई है। और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैज नो फीमेल, तो यहाँ कर दो जीरो। चलो अब देखना, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही बना है कि सर ये दो का तो हमें वैल्यू था 224, और नहीं है इसका मतलब जीरो, तो इसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो बहुत सीधा हिसाब है कि ये जो परसेंटेज है वो किसके है, टोटल फीमेल का है। तो टोटल फीमेल देखो परसेंटेज की लैंग्वेज में 100% होगी डिपार्टमेंट में, तो आप क्या करो, जिसके परसेंटेज दिए उसका तो टोटल करो। तो ये 34 और ये 18, टोटल कितना? 52। और 52 में 20 ऐड कर देंगे तो आई थिंक ये हमारा बनेगा 72%। यानी ये तीन डिपार्टमेंट में मिलके फीमेल कितनी हो गई? 72% हो गई। तो इसका मतलब बाकी बची हुई 28% फीमेल किसकी होगी? एडमिन डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो जीरो है। तो इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा कि ये जो 224 है वो आपका 28% है। देखो सबसे क्लासिक पार्ट क्वेश्चन का, तो 224 से वो 28% है, तो 1% की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो ये 28 × 8 224 होगा, तो 1% की वैल्यू 8 मिलेगी, तो 100% की वैल्यू कितनी मिलेगी? 800। तो यहां से क्या पता चला? तो यहां से ये पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल फीमेल कितनी होगी? 800 होगी। देखो मजा आ गया, ये 800।
अब टोटल 1700 फीमेल, 800 तो बचे हुए 900 मेल होंगे। ये भी बहुत क्लासिक पॉइंट है समझने वाला। अब मैं क्या करूं? तो पहले आगे मत पढ़ो, आपके पास सारे डिपार्टमेंट की फीमेल का परसेंटेज है, तो क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो आराम से? कैसे? तो देखो, यहाँ पर आपको 34% निकालना है, तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 34% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 8 × 3 = 24, यानी कितना? 240। और 8 × 4 कितना बनेगा? 32। तो ये बन जाएगा 264। बहुत सॉरी, 8 × 4 = 32 ना, सॉरी 1 सेकंड, 8 × 3 = 24, 24 और 32 आपका बनेगा 272। दिस वैल्यू बिकम अ 272। नहीं आ रहा तो भाई सिंपल 34 × 8 कर दो ना, 8 × 4 = 32 का 2, कैरी 3, 8 × 3 = 24 और 3 कितना? 27। अब 1% की वैल्यू 8 है, तो 18 × 8 = 144। अरे वाह, ये तो डायरेक्ट निकल रहा है। 1% की वैल्यू 8 है, तो 20% की वैल्यू कितनी? 160। मजा आ गया। देखो, आपको सारे डिपार्टमेंट की फीमेल मिल चुकी है, देखना। यानी पहला पैराग्राफ खत्म यहाँ। अब चलते अगले दूसरे पैराग्राफ की ओर, देखना दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, अब मेल एम्प्लॉय की बात हो रही है, जो भी टोटल मेल एम्प्लॉय है उसमें से 12% एचआर में, तो एक काम करेंगे, मजा आ गया। हमारे पास देखो टोटल मेल 900 पड़े हैं रे, 900, तो 900 का 12% एचआर में जाएगा, 12 × 9 = 108। मजा आ गया, इसकी तो वैल्यू आराम से मिलती जाएगी। फिर पढ़ो, 35% मार्केटिंग में, तो इसका 35% कैसे निकालेंगे? तो 35 × 9 कितना? 315। तो 315 चले जाएंगे मार्केटिंग में, ध्यान रखना मार्केटिंग है ना, हाँ 315 मार्केटिंग में चले गए। फिर आगे पढ़ो, 30% कहाँ काम करेंगे? फिनांस में। तो 900 का 30%, 9 × 3 = 27, 270, 270 चले गए फिनांस में। अरे वाह, 10% चले गए एडमिन में, तो 90, तो बचे हुए मैन्युफैक्चरिंग में होंगे। कैसे निकालो? चॉइस आपकी है, आप चाहो तो परसेंटेज का भी टोटल कर सकते थे। देखो 30, 35, 65, 65 और 10 कितना? 75, 75 और 12 कितना? 87% चला गया। तो बचेगा कितना? 13% मैन्युफैक्चरिंग में होगा, तो 900 का 13%, तो 13 × 9 कितना? 117। क्लासिक। पर ऐसा नहीं करना हो तो आप ये चारों चार का टोटल करके उसको 900 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो भी आपका सेम आंसर बनेगा कितना? 117। खत्म। वाह भाई वाह, देखो अभी तक का सबसे आसान था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट क्या था? ये फीमेल के जो परसेंटेज दिए थे ना, वहां से उसकी वैल्यू आपने ये जो 800 टोटल निकाली ना, वो क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको हम टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, वहां से डिसाइड होगा आपका सेट होगा या नहीं होगा। अगर ये पॉइंट को बच्चा पकड़ लेता है तो समझ लो बस खत्म। बोलो। चलो तो लिखो पहले तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जल्दी फटाफट, कम ऑन, फिर हम सीधे क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। मजा आ गया है ना? और मैंने बोला है सेट बिठाना तो आसान होगा, लेकिन जो मजेदार पार्ट है ना, वो क्या होने वाला है? वो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, बराबर। तो अभी तो क्वेश्चंस बचे हैं, लास्ट 5 क्वेश्चंस लेके सेशन को खत्म करेंगे, है ना? चलो वेरी गुड, सुपर। तो क्या करूं, सबको क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट बच्चे बता रहे सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, देखना। एंड यू नो क्वेश्चन का लेंथ इतना बड़ा है, तो मुझे आगे पीछे डेफिनेटली मूव करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर। चलो तो पहला ही क्वेश्चन काफी हैवी है, जितना सेट है उससे तो आधी लेंथ का क्वेश्चन दिया है। बिल्कुल डरना मना है, आराम से बिठाते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्या बोला है? देखना, पेन रख दो सारे बच्चे। मेल एम्प्लॉइज इन फिनांस डिपार्टमेंट इंक्रीजेस बाय 10% एंड मेल एम्प्लॉइज इन एडमिन डिपार्टमेंट इंक्रीजेस बाय 20%। चलो, फिनांस के मेल 10% और एडमिन के 20%। फिनांस के मेल 10% यानी 270 है, 10% यानी 27 बढ़ेगा। एडमिन का 20% 90 है, 20% यानी 18 बढ़ेगा। ओके, ये दो चीज यहां तक की क्लियर है।
इसके 10%, इसके 20%, और 23 मेल एम्प्लॉय ज्वाइन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग में 23 बढ़े, ज्वाइन करने का मतलब 23 बढ़े, इसमें बढ़े 23। फिर पढ़ो आगे, और आगे का बोला है, अच्छा, 23 मेल एम्प्लॉयज ज्वाइन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिमेन्स द सेम, और बाकी में कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, तो इसमें नो चेंज, नो चेंज, जीरो जीरो, जो है उतने ही रहेंगे। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज निकालो इन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलो वाह भाई वाह, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ और नीचे इनिशियल वैल्यू। तो देखो कितना इंक्रीज हुआ वो तो आपको आराम से मिल जाएगा, देखो कैसे, ये 27 बढ़ा, ये 18 बढ़ा, तो ये दोनों मिला के 45, और 45 में क्या करेंगे, 23 को ऐड कर देंगे, तो टोटल मेरे हिसाब से इंक्रीज कितना हुआ, 68 का इंक्रीज हुआ, तो ऊपर 68, बात समझे, नीचे टोटल, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 900 है, इंटू कितना, 100, खत्म, दो जीरो दो जीरो कैंसल। चलो फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, देखो भाई 9 × 7 63, और बचा हुआ 5 ऊपर, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्लासिक। देखो क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं तब तक जितना लग रहा है उससे बहुत आसान है, बस लंबा लंबा खींचा है। ओके, तो मैं नहीं समझता हूं कि परसेंटेज इंक्रीज ढूंढने के लिए आप लोग हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू ढूंढो, कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, तीनों तीन में जो इंक्रीज हो रहा था उसकी वैल्यू निकाल ली, वहां से ओवरऑल टोटल इंक्रीज मिल गया, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 900 थी, है ना, खत्म, सॉ, मजा आ गया है ना। देखो बहुत आराम से हमने बिठा दिया है पहले वाले क्वेश्चन, चलते हैं अगले, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2, बराबर समझना। द टोटल नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन मार्केटिंग एंड फिनांस डिपार्टमेंट टूगेदर। चलो मार्केटिंग फिनांस के मेल का टोटल, मार्केटिंग और फिनांस दोनों के मेल का टोटल करो, 300, 200, 500, 585, 585। ओके चलो, तो ये बनेगा 585 इज अ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज बोले हैं वर्किंग इन दिस टू डिपार्टमेंट्स टुगेदर, तो दोनों के एम्प्लॉय का टोटल। चलो तो देखो दोनों के एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे, तो ये हमने देखो मेल का टोटल तो हमें मिल चुका था 585, तो फीमेल का टोटल भी निकाल देते, तो 16 और 14 30, 30 यानी 304, तो अगर मैं टोटल करूंगा तो दिस वुड बिकम 889, तो डिनोमिनेटर में बनेगा आपका कितना, 889, इज इट क्लियर, सॉरी सॉरी वापिस लिखने दो, 585 है ये, आपका कितना है, 889 है इंटू 100, ये आपका फाइनल आंसर। अब आंसर देखोगे आपको राउंड ऑफ करना है और अप्रोक्सीमेटली निकालना है, तो बहुत केयरफुल बन के निकालना पड़ेगा, देखते जाना, क्योंकि ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करोगे तो देर माइट बी ए चांसेस कि आपका आंसर गलत आ जाए, बराबर। अब आप देखो क्या करोगे, तो मैं यहीं से थोड़ा जज करने की ट्राई कर रहा हूँ, देखते जाना, अगर आप चाहो तो ये 889 है ना, इसको 890 ले सकते हो, बराबर, एक बढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो जीरो काट दो तो बचेगा कितना, 5850, उसके नीचे 89। अब ध्यान रखना 89 को 90 करने की ट्राई मत करना, क्योंकि ये दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, हो सकता है तो कहीं आपका आंसर गलत हो जाए, तो बेटर होगा कि अब मैं देखो अंदाजा ही लगाऊंगा कि इसको लगभग 90 मान लो, तो 9 × 6 = 54, तो लगभग मेरे हिसाब से 6 से कटेगा, तो देखो 585 है, बराबर समझने की ट्राई करना, मैंने 90 माना था, तो 9 × 6 = 54, तो 54 यानी 540, तो 540 में से 6 कम कर दो तो 534, तो बचेगा कितना, 1 और 5, ऊपर से आएगा 0, 510, तो लगभग देखो अब ये 65, 65, क्योंकि 89 × 6 करेंगे तो 534 के नजदीक जाएंगे, 510 यानी 6 से थोड़ा कम, तो यानी 65, 65 पॉइंट समथिंग, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, 66% बनेगा, खत्म आंसर।
बोलो इज इट क्लियर। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, 90 करके ट्राई मत करना, क्योंकि हो सकता है आंसर में फर्क नहीं पड़े, लेकिन दो ऑप्शन बहुत क्लोज थे तो इसलिए मैंने सोचा कि अब 889 को मैंने 890 कर दिया है, तो 89 को 90 करने की बिल्कुल ट्राई नहीं कर। ऑप्शन बहुत क्लोज है, दिस इज द मोस्ट रीजन। बाकी मैं भी कर लेता, मुझे भी अच्छा लगता कि 89 को 90 करके निपटा दूं, लेकिन बी केयरफुल। ओके डन, चलो वेरी गुड। तो बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्लाइड कैलकुलेटिव है, लेकिन हमने कैलकुलेशन को अच्छे लेवल पे सॉल्व किया है ना। नेक्स्ट, अरे वाह, अगेन तीसरा क्वेश्चन काफी काफी लंबा आया है, तो बिल्कुल बिना टेंशन लिए निकालने वाले, देखते जाना क्या बोला है। 26 मेल एम्प्लॉइज फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर्ड टू एडमिन डिपार्टमेंट। अब देखो जब ट्रांसफर वाला केस होगा तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जहां से जाएगा उसमें माइनस होगा और जिधर जाएगा उधर प्लस होगा। तो क्या हुआ, एचआर से 26 मेल निकल के एडमिन में गए, चलो इधर देखना, एचआर से 26 निकल के एडमिन में गए तो इधर से -26 करूंगा मेल, और एडमिन में गए तो इसमें +26 कर दो। अभी तो प्लस माइनस कर दो, बाद में देखेंगे जो भी जरूरत पड़ेगी वो नीचे लिखा है। फिर आगे क्या बोला है, 28 अब फीमेल बोली है, एम्प्लॉइज फ्रॉम एडमिन ट्रांसफर्ड आर ट्रांसफर्ड टू एचआर। अब फीमेल में उल्टा है कि 28 फीमेल एडमिन से एचआर में गई, देखते जाना, एडमिन से एचआर में 28 फीमेल गई, तो एडमिन से गई तो इधर -28 और एचआर में गई तो इधर +28, सीधा सा हिसाब। ओके चलो, तो फिर बोला क्या है, आगे पढ़ो, तो रेशियो निकालो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन एडमिन डिपार्टमेंट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज। अरे वाह, एडमिन के मेल फीमेल का रेशियो चाहिए नया वाला, ट्रांसफर होने के बाद एडमिन का खत्म। एडमिन में देखो 90 था, ट्रांसफर होने के बाद 26 आए तो ये हो जाएंगे 116, ये हो जाएंगे 90 +26 116, और ये 224 था 28 गई तो ये हो जाएगा 196। बात समझे बराबर, तो ये मेरा बन गया था कितना, 90 था और 26 आ गई, और यहाँ था कितना, 224 था 28 चली गई, आपके लिए लिखा है, तो ये 116 ये 196, लगभग 4 से कटेगा, तो ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा 30 यानी 29, और ये 4 से कटेगा तो लगभग 49, और कुछ तो कटने का चांस मुझे नहीं लग रहा है, खत्म। देखो ऑप्शन, अरे वाह एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन बी, खत्म, बिल्कुल आराम से निकाल लिया। बताइए इज इट क्लियर, डन है, चलो तो लिख दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखो क्वेश्चन लग रहा था लेकिन काफी हद तक इजी निकला, पर मैंने देखो क्या कर रहा हूं, एक स्किल ये भी आपको डेवलप करनी है, पूरे क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़ो, छोटे छोटे चंक में डिवाइड करते जाओ, जैसे जैसे चीजों को समझते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, तो काफी क्वेश्चन आपका बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके डन है, चलो वेरी गुड। तो चलेंगे एक और नए क्वेश्चन के ऊपर, लगभग लास्ट दो क्वेश्चन और बचे हैं, देखना क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एवरेज निकालना है, बराबर समझना, किसका, एम्प्लॉइज का, हु वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एंड एडमिन। मैन्युफैक्चरिंग MM और A, ये तीनों तीन का एम्प्लॉय का एवरेज है, ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग और एडमिन। तो पहले तो मुझे तीनों तीन का टोटल निकालना पड़ेगा, देखते जाना, तो ये 315 और ये 160, टोटल कितना बनेगा 475। बोलो अब ये भूल जाने का है ना भाई, ये 26 -28 वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का था, अब तो आपको जो ओरिजिनल डेटा उसी पे काम करना है, 224 में 90 ऐड करो 314, और ये तो आपके 117 ही पड़े। चलो तो मैं टोटल करूंगा 475, 314 और 117, 475, 314 और 117 एवरेज निकालना है, टोटल कर दो फटाफट, 11 और 5 16 का 6, कैरी 1 0, कैरी 1 बनेगा कितना 8 और 1 9, 906,
डिवाइड बाय 3 करेंगे, कितना? 302 दिया है। अरे वाह, एग्जिट दिया ऑप्शन सी। बस कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करो, बाकी आराम से निकल जाएगा, देख लो। ओके डन है, चलो वेरी गुड, सुपर। तो लास्ट एक क्वेश्चन आज के लिए, और बचा हुआ पार्ट होगा उसको हम कल सेम टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। ओके देखना, अगेन काफी काफी लंबा क्वेश्चन है, पेशेंसली टैकल करना है, पेशेंसली। पढ़ते क्या लिखा, इक्वल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज एंड मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फिनांस डिपार्टमेंट लीव द जॉब। ध्यान रखना, फिनांस में काम करने वाले जो भी लोग हैं उसमें इक्वल मेल और फीमेल जा रहे हैं। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फिनांस डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट रिड्यूसेस टू 40:19। तो ये नया रेशियो है वो कितना हो जाता है, 40:19 हो जाता है। चलो तो पहले तो हम फिनांस के मेल फीमेल को पकड़ के लाएंगे, देखते जाना। फिनांस से ये रहा, मेल 270, फीमेल 144, वही है ना, 270 और 144 बराबर। अब इन दोनों में से इक्वल लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे। जितने मेल जा रहे उतने फीमेल जा रहे, कितने जा रहे वो पता नहीं है। तो ऐसा होने पे ये जो नया रेशियो है वो कितना बनता है, 14:19 बनता है। तो आपको क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट हु लेफ्ट द जॉब। तो टोटल कितने लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से जॉब छोड़ के गए हैं वो आपको ढूंढना है। मजा आ गया, चलो कैसे ढूंढेंगे। तो देखो एक बहुत फंडामेंटल तरीका होता है कि आप क्या करो, दोनों में इक्वल जा रहे हैं तो यहां पर एक्स एक्स रख दो, यहां से एक्स जाएंगे तो यहां भी एक्स आएंगे। फिर आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हो। ये पहला बेसिक तरीका हो गया, लेकिन आप समझदार हो, देखो भाई ये कैलकुलेशन बहुत गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, 27:19, 144:4। तो अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इतना बनाने के बाद अब देखो हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं क्या। तो मेरे पास ऑप्शन तो पड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऑप्शन पुट करने की ट्राई करूं लेफ्ट हैंड साइड में, जो ऑप्शन से मेरा 40:90 का रेशियो आ जाए वो मेरा सीधा आंसर। बोलो हाँ या ना। तो अब देखो ऑप्शन लगाने में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे, मान लो मैंने मान लिया कि टोटल 20 लोग गए। अब टोटल 20 लोग गए, उसमें इक्वल मेल इक्वल फीमेल होगी तो दोनों से 10-10 जाएंगे बराबर। तो इसमें 270 है, 10 जाएंगे तो 260 बचेंगे, इसमें 144 से 10 जाएंगे तो 134 बचेंगे। तो आप देखो क्या इसका जो रेशियो होगा वो 40:19 का बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 260 है, दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 40। गया पहला ऑप्शन, गया दूसरा ऑप्शन ले लो 60। अब टोटल 60 जाएंगे तो दोनों में से 30-30 जाएंगे, तो देखो 270 में से 30 जाएगा तो 240, 144 में से 30 जाएगा तो 114। अब इसका रेशियो निकालो, क्या 40:19 आता है? अरे वाह, लगभग देखो 6 से कटेगा तो 19 और 6 से कटेगा तो 40, एक सेट बन गया। लो रुक जाओ, खत्म खत्म, ऑप्शन बी बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन को टैकल करने का। अदरवाइज यू नो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। चलो मजा आ गया, खत्म। तो पहला काम क्या करो, सारे बच्चे लिखो कमेंट बॉक्स में, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया। और दूसरी चीज है, एक बार ये भी लिख दो सेशन में, जो डेटा कैलकुलेट का आपका थोड़ा डर था, अंदर एक भय का माहौल था, सर डेटा कैलकुलेट नहीं आता है नहीं आता है, तो ऑनेस्टली बताना सेशन खत्म होने के बाद कैसा लग रहा है, एक बार जरूर आप अपनी कमेंट में कमेंट करिएगा, है ना। हाँ मैंने पहले ही बोला है पूरा सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको बैठना। और यहाँ खत्म नहीं हुआ भाई टॉपिक, है ना, अभी तो हम खाली टेबल के अरेंजमेंट पे चल रहे हैं, आगे जाके वेन डायग्राम ये वो सब काफी चीजें, काफी सारी चीजें देखेंगे। ओके चलो वेरी गुड वेरी गुड सुपर, मजा आ गया। तो सबको लगभग सारी बातें समझ में आ गई है। तो पहला काम क्या करो,
जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है तो फर्स्ट काम आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और सेशन में मजा आया हो तो दबा के अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके फ्रेंड्स कलीग्स जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहां तक पहुंचाइए, ताकि ये फ्री सेशन का बेनिफिट हर बच्चा ले पाए, बराबर। और अगर मजा आया है दिल से तो एक बार लाइक बटन को भी दबा के जाना, बराबर, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि सेशन कितना मजेदार था आज का। ओके चलो, तो बाकी अब ज्यादा कुछ टाइम हम नहीं ले रहे, बचा हुआ जो पार्ट होगा उसको हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, बराबर। दूसरी चीज है, अगर आप लोग मुझे अनएकेडमी पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जरूर एक बार मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि अनएकेडमी के ऊपर भी मेरी काफ़ी सारी डेली की फ्री लाइव क्लासेस से चलती है, तो अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ताकि आपका सेशन कहीं मिस नहीं हो जाए। फॉलो कहाँ से करोगे, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया है, तो लिंक पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो पहला काम आप मुझे फॉलो कर लो। दूसरी चीज है, जो भी बच्चे प्लस के स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ, प्लस के ऊपर डेली दोपहर में 2:30 बजे मेरा यही टॉपिक चल रहा है, मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर कोई बच्चा मिसिंग डीआई को इस लेवल पे पढ़ना चाहता है फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, तो डेली दोपहर में 2:30 बजे प्लस के ऊपर आ जाए। और अगर कोई बच्चा प्लस पे जुड़ने का प्लान कर रहा है तो ये कोड लगा के जुड़ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी अच्छी ऑफर चल रही है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 5,850 रुपये में, और ये मेरा कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो 4 महीना एक्स्ट्रा यानी 16 महीना सारी बैंक एग्जाम्स की तैयारी करनी, अपने आप के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाना, डेफिनेटली ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट कब गवर्नमेंट जॉब दिलवा देगा, तो डेफिनेटली थोड़ा अपने लिए इन्वेस्ट कर दो, प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओ, कि इंडिया के 70 से भी ज़्यादा बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओके, और एक साथ एफर्ट नहीं कर सकते हो तो नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करके जुड़ सकते हो। लेकिन ये मेरा रेफरल कोड है HKS10, ये लगाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा जब भी प्लस पे जुड़ो। और ये अनएकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, एक बार आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। और इस YouTube चैनल पे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे, अगर किसी का भी कंटेंट आपको लगता है इनअप्रोप्रिएट है, सीधा आप अनएकेडमी को रिपोर्ट करके अपनी प्राइस को क्लेम कर सकते हो। रिपोर्ट कैसे करोगे, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाइए, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को रिपोर्ट करिए और वहां से आप अपनी प्राइस को क्लेम कर सकते हो। ओके, और जो भी बच्चों ने इस लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन्स फॉर नोटिफिकेशंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो, बाकी मिलेंगे कल के सेशन में, बाय बाय, हैव अ नाइस।